हेलो बच्चों, कैसे हो सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे डीसीएम फॉर जेईई 2022 के पेपर नंबर 25, फिजिक्स में इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक को इंक्लूड किया है इस पेपर में। तो जेईई मेंस सेक्शन ए के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 1, वाटर राइजेस टू हाइट एच इन ए कैपिलरी ट्यूब हेल्ड वर्टिकली इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर इफ द कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वाटर सर्फेस, द लेंथ ऑफ द वाटर इन कैपिलरी ट्यूब विल बी। तो कैपिलरी ट्यूब में लेंथ कितनी होगी वाटर सर्फेस की, वाटर लेवल की? तो देखो, सीधी सी बात है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो ये माइंड में हमेशा रखिए कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि जो कॉन्टैक्ट एंगल वो चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पर, है ना? तो ये कैपिलरी ट्यूब थी, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया हमने। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल जीरो है ना? तो ये जो सरफेस है ट्यूब की, ये इस पानी को इधर की तरफ खींचेगी। तो इस तरफ डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जो भी इसमें लिक्विड कॉलम जो भी है, जो राइज करेगा लिक्विड, उसका मास लेट से एम है। तो इस डायरेक्शन में, जैसे ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा फोर्स लगेगा, ठीक है? और ये जो टेंशन वाला, जो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स लगेगा, वो तो टी इंटू टू पाई आर होगा। वर्टिकली अगर रखें तो भी टी इंटू टू पाई आर, ठीक है? और वहां पर जो मास है वो लेट से एम डैश है। तो वर्टिकली रखें तो एम डैश जी के बराबर होगा, और ऐसे रखें तो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। टी इंटू टू पाई आर तो इक्वल है ना दोनों में, इसका मतलब एम जी साइन थीटा बराबर एम डैश जी, बाकी जिस जी कट जाएगा, तो इसका मतलब एम डैश की वैल्यू एम साइन थीटा के बराबर आ गई। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आई, एम डैश बाय साइन थीटा। अब जो मास है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है। तो मास अगर लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा तो ये जो हाइट है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, वो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, एम, जो कि ये वाली न्यू लेंथ जो है वो एल डैश मान लो या एल मान लो, पुराने वाली एच थी, ठीक है? एच अपॉन में साइन थीटा, एंड थीटा इज 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2h। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू, देखो दो लिक्विड फिल्ड हैं इसके अंदर कंटेनर में, एक की डेंसिटी रो है, एक की डेंसिटी 2 रो है। यहाँ से दो होल कर रखे हैं हमने, ऊपर से ये जो हाइट है ये वाली h/2 है, और ये वाली है 3h/2। जो वाटर जो बाहर आ रहा है उनकी स्पीड क्या है, v1 एंड v2, v1 बाई v2 की वैल्यू हमसे पूछी है। यहाँ पर v1 की वैल्यू बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लिक्विड की डेंसिटी सेम है, तो v1 की तो वैल्यू कन्फर्म है, अंडर रूट में 2gh आएगी, और h की वैल्यू कितनी है h/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, अंडर रूट में gh आ गया। लेकिन इस वाले लिक्विड के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बर्नौली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इस वाले पॉइंट पे बात करें तो इन दोनों का लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है ना, तो डायरेक्ट इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के लिए हम बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा सकते, सेम लिक्विड के लिए लगता है। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, ऊपर प्रेशर मान लो पी नॉट, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, पी नॉट को हटा ही दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे प्रेशर जो है, गेज प्रेशर जो आ जाएगा रो जी एच, यहाँ पे आ गया रेफरेंस लाइन मैंने ये वाली ले ली, इससे हाइट कितनी है वाली, क्योंकि यहाँ से 3h/2 तो ये वाली h/2 आएगी, तो प्लस में 2 रो इंटू जी इंटू h/2, है ना? तो ये तो एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी है नहीं क्योंकि स्पीड वेरी स्लो है, एरिया अब ज़्यादा मान लें तो यही पार्ट आएगा बराबर हाफ। यहाँ जब लिक्विड बाहर आएगा तो डेंसिटी कितनी है, 2 रो है, 2 रो इंटू v2 स्क्वेयर, और बाकी प्रेशर एनर्जी पी नोट है, वो पी नोट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कट ही जाएगा, उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखें तो रोजीएस 2 रोजीएच आ गया, रो से रो कट जाएगा, v2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में 2gh, v1 बाई v2 करें तो 1/√2 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा। ए लाइट सेमी सिलेंड्रिकल गेट ऑफ रेडियस आर इज पिवोटेड एट मिड पॉइंट ओ ऑफ द डायमीटर एज शोन द फिगर, होल्डिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, द फोर्स एफ रिक्वायर टू प्रिवेंट द रोटेशन द गेट इज इक्वल टू। देखो यहाँ से पिवोटेड है, अभी कह रहा है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये गेट रोटेट नहीं हो। देखो सीधी सी बात है, ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है ये सिलेंडर का, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा वो तो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, एरिया के परपेंडिकुलर बोले तो इस तरफ आएगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी अगेन एरिया के परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा। तो आप ये देख सकते हो फोर्स की वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट होगी, डेंसिटी डेप्थ पे जाएगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है सभी फोर्स की वो इसी पिवोटेड एक्सिस से पास होगी। लाइन ऑफ एक्सिस अगर इसी से पास होगी तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो, तो इन प्रेशर फोर्स का जो टॉर्क होगा ना इस पॉइंट के अबाउट वो जीरो आ रहा है, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी हमें, बात समझे? तो यहाँ पर कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, अदरवाइज ये यूं घूम जाएगा, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है देखो, और यहाँ एक पिस्टन दे रखा है, इसका मास एम गिवन है। अब यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा, इसके अंदर लिक्विड भर फील्ड है, लिक्विड जो बाहर आएगा उसकी स्पीड पूछी है। जनरली क्या करते हैं, वी बराबर अंडर रूट में टू चेज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस पिस्टन के वेट के कारण भी यहाँ पे प्रेशर जो बढ़ जाएगा। यहाँ वाला जो प्रेशर वो कितना आएगा, एम जी अपोन में ए, एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। पी नोट तो है ही, पी नोट तो हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा, पी नोट को इंक्लूड ही मत करो। और इस वाली लाइन पर अगर अपन चले तो इस वाले को रेफरेंस मानू तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, रो जी एच। काइनेटिक एनर्जी है नहीं, और जब लिक्विड बाहर आएगा तो पी नोट वैसे ही कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। बस कुछ नहीं है, टू का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, टू तो ये हट गया, और रो को डिवाइड कर दो, रो कट जाएगा यहाँ से, रो यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से भी हट जाएगा ये। V बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2mg by a plus 2gh, 2mg by a plus 2mg by a rho plus 2gh। अगर हम देखें तो इसमें सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, फिफ्थ पे आइए। टू बॉडीज ऑफ मासेस 3kg एंड 1kg आर कनेक्टेड बाय वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो एरिया गिवन है, मास गिवन है दो ब्लॉक का, इसको रिलीज कर दिया। अब आपसे पूछा ये जो वायर दिख रहा है, इस वायर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन पूछा आपसे, तो स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। स्ट्रेस के लिए क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। इसमें टेंशन कैसे निकालेंगे, M1 M2 दो ब्लॉक अगर अपने जो है इस वायर से कनेक्ट कर दें, रिलीज कर दें, तो टेंशन कितना आता है, टी इक्वल्स टू टू एम वन एम टू जी सॉरी अपॉन में एम वन प्लस एम टू इंटू में जी, ठीक है। अब ये टेंशन निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो टू इंटू में एम वन, एम वन कितना है इसका मास, 3kg इंटू 1kg अपॉन 3+1 4 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 दे रखिए, 10 रख दो, 2 2 5 आ गया, ये आ गया 15, 50 न्यूटन आ जाएगा। तो देखो इस वायर के अंदर टेंशन आ चुका है, तो टेंशन से स्ट्रेस निकाल सकते हैं। स्ट्रेस कैसे आएगा, 15 अपॉन में एरिया, एरिया कितना 1 mm², तो 1 mm मतलब बोले तो -6 -3, तो माइनस का 3² हो जाएगा, -6 हो जाएगा, एरिया आ गया बराबर वाई, वाई है यंग मॉडुलस 10^11, ठीक है, और इंटू में स्ट्रेन, स्ट्रेन ही पूछा हमसे, बस कुछ नहीं है, 10^-6 इधर जाएगा तो 10^5 बचेगा, ओके, और ये इधर आ जाएगा 1.5 × 10^-4, ये स्ट्रेन आ गया, है ना। तो इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, आइए। यूट्यूब को हमने लिक्विड से फिल कर रखा है, एंड देन यूट्यूब को अपन रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। अब हमसे पूछा है कि जो हाइट है, जो लिक्विड जो इनमें राइज होगा, उनमें जो लेवल है उनका डिफरेंस कितना आएगा, हाइट का डिफरेंस कितना आएगा। तो जनरली क्या होता है, बकेट के अंदर भी पानी को अंदर भर करके अब जब रिवॉल्व करते हैं तो सरफेस पैराबोलिक बनती है, तो इसमें भी पैराबोलिक सरफेस बनती है जिस एक्सिस अबाउट अपन रोटेट कर रहे हैं। तो मान लो कि ये जो ट्यूब को रोटेट करेंगे तो कुछ सपोज R1 लेट से कम है, उस केस में कुछ ना कुछ इस टाइप से अपन सरफेस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ जैसे लिक्विड कॉलम यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक है, है ना। चलो अब करते हैं देखो, तो ये लिक्विड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये वाली हाइट मान लीजिए H1 है, ये वाली हाइट मान लीजिए H2 है, ठीक है। सिंपल वे से करें इसको, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर मान लीजिए P है, तो अगर P प्रेशर है इस पॉइंट पर, तो इस हॉरिजॉन्टली अगर अपन बात करूँ तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा, P प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन, है ना। हॉरिजॉन्टली अगर अपन ट्यूब को रोटेट करते हैं तो जिस एक्सिस बोर्ड रोटेट कर रहे हैं उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर अपन ट्यूब के लेंथ के लॉन्ग चलें तो प्रेशर कितना आता है, पी प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर प्रेशर पी मैंने अज्यूम किया है। यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नोट है, पी नोट वैसे ही कट जाना होता है लेकिन रख दो, चलो पी नोट है। तो यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेशर कितना आएगा इस पॉइंट पर प्रेशर आएगा पी नोट प्लस रो जी H1, ठीक है। जो अप्रोच हमने यहाँ वाले इस लेफ्ट साइड वाले पे लगाया वैसे ही सेम अप्रोच राइट साइड पे भी लगा सकते हो, तो पी प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी H2। अब कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट भी कट जाएगा, और कटने के बाद अगर आप देखो तो रो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये भी कट जाएगा, हट जाएगा, जी एच आएगा, ठीक है। तो जी को डिवाइड कर देंगे तो H2 माइनस H1 जो है वो कितना आ जाएगा, हाफ जी भी डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर भी हो सकता है, R1 स्क्वायर माइनस R2 भी स्क्वायर भी हो सकता है, वो H1 माइनस H2 पूछे या H2 माइनस H1 पूछे, वो दोनों ही सही है। तो इसमें एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है और कुछ नहीं है, वो है फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इस वाले में तो 2 भी नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो गया, बाकी में प्लस है तो जो कि गलत है। आ जाइए, होलोस्फीयर दे रखा आपको, मास कैपिटल M है और रेडियस R है, ठीक है।
और इस होलोस्फीयर को आपने रो डब्ल्यू डेंसिटी के लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया, और इसको आपने दो थ्रेड से अटैच कर रखा है, और इसमें पूछा है कि जो टेंशन जो है इन थ्रेड में या वायर के अंदर वो कितना है। तो यहाँ पर टी लग रहा है, यहाँ पर भी टी लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो सीधी सी बात है दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा सिमेट्रिकली अगर देखें तो एकदम डाउनवर्ड आएगा, विच इज रूट टू टी। तो रूट टू टी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा जो स्ट्रिंग लगाएगी, और एम जी भी लगेगा, इसका वेट भी है, और बायंसी फोर्स जो ऊपर लगेगा, और बायंसी फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 πr³ जो कि वॉल्यूम है इसका, इंटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज रो डब्ल्यू इंटू जी, बस खत्म। इन दोनों को बैलेंस कर दो, इक्वल कर दो, और वहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। तो सब सॉल्व करेंगे अपन, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए, वाटर फ्लोज थ्रू ए फ्रिक्शनलेस डक्ट विद ए क्रॉस सेक्शन वेरिंग एज शोन इन द फिगर, द प्रेशर पी एट पॉइंट अलोंग द एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय। देखो लिक्विड की स्पीड यहां पर क्या होगी, कम एज कंपेयर टू इस वाले के, क्यों, एरिया यहां पर ज्यादा है, यहां एरिया कम है, तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, तो एरिया अगर डिक्रीज होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो बर्नौलीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, है ना, वो कांस्टेंट होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, कांस्टेंट होता है, आइडियल फ्लूड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर रो जी एच जो है ना, ये वाला पार्ट, ये तो इस वाले पॉइंट के लिए बात करूँ, इस वाले पॉइंट पर बात के लिए सेम ही होगा, तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, तो इन दोनों पर फर्क पड़ेगा। अगर स्पीड बढ़ेगी ना तो प्रेशर डाउन होगा, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे ना स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी तो प्रेशर डाउन होगा, तो वो देख लो बस, इसमें और कुछ नहीं है, बाकी तो आगे तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसका मतलब प्रेशर डाउन होकर रह जाएगा, खत्म। तो इसमें तो गलत हो गया, ये बढ़ रहा है ये भी गलत है, ये घट करके वापस बढ़ रहा है ये भी गलत हो गया, ये घट रहा है, तो इसमें बेटर ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइन पाइए, फिगर शोज ए साइफन, चूज द रंग स्टेटमेंट। साइफन है, साइफन जैसे कूलर में कई बार आपने देखा होगा, कूलर हाइट पे लगा होता है और उसमें पाइप अटैच करके कूलर में पानी भरा होता है, उस पानी को खाली करना होता है, तो हम क्या करते हैं पाइप के अंदर पानी भर के एंड देन फिर एक एंड जो है वो कूलर के अंदर इमर्ज कर देते हैं, और दूसरा पाइप जो है दूसरा एंड जो है वो ग्राउंड पे रख देते हैं, तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर अंदर से बाहर आता रहता है, हालांकि यूं जाता है ऊपर एंड देन फिर नीचे आता है, ठीक है, वही साइफन है। तो इसमें ये कब वर्क करेगा, इसके लिए पूछा आपसे। तो देखो पहली बात तो ये है कि जो H3 है ना, यहाँ पर ये जो हाइट दे रही है H3, ये कन्फर्म है, ये H3 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ पाइप होना चाहिए, ये तो मस्ट है। अगर आपने पाइप यहाँ तक लगा दिया ऊपर इस लेवल से अगर ऊपर है तो फिर उसके इसमें वर्क करेगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस लिक्विड को ऊपर तक राइज तो यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन बाहर तक निकलने के लिए, वो तो सरफेस टेंशन कारण हो सकता है, लेकिन बाहर तक गिरने के लिए इसके लिए एनर्जी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, बाहर नहीं आ सकता उस केस में, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रेशर एट पॉइंट टू इज P2 इक्वल टू P0 माइनस रो जी H3, तो दो नंबर पॉइंट प्रेशर कितना, देखो तीन से लिक्विड बाहर आ रहा है, ठीक है, तीन पे तो पक्का पक्का P0 होगा, प्रेशर एट पॉइंट P3 इज P0, ये तो सही है और ये भी सही है। सेकंड देखो दो पे प्रेशर कितना होगा, देखिए दो नंबर पॉइंट जो है इस लेवल पे है, ये H3 है, तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर P0 है, बर्नौली इक्वेशन लगा दो, हाफ रो वी स्क्वायर, रेफरेंस लेवल यहाँ पे मान लो, तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे चलेंगे तो स्पीड तो वही है ना, हाफ रो वी स्क्वायर, प्रेशर फाइंड करना है दो नंबर पॉइंट पे, P2 मान लेता हूँ, और प्रेशर एनर्जी जो है यहाँ पर कितनी आ जाएगी, रो जी H3, तो ये तो हाफ रो वी स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू कितनी है P2 इक्वल्स टू P0 माइनस रो जी H3, यही है, इसका मतलब दो नंबर पॉइंट पे प्रेशर ठीक है, ओके, तो ये भी सही है, तो नन ऑफ द जो अबव जो है इसके अंदर, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो चौथा ही बचेगा फिर फाइनल, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 10, ए क्लोज ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम्स फॉर थ्री लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स एंड इज प्लेस्ड वर्टिकली विद इट्स लोवेस्ट साइड हॉरिजॉन्टल, फाइंड एक्स इन द फिगर इफ द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड्स आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो तीन लिक्विड है देखो, एक तो लिक्विड यहां से यहां तक का है, फिर एक लिक्विड ये वाला है, फिर एक लिक्विड ये वाला है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है L/3, L/8, L/9 दे रखी है हमें, तो L/2 से कम अगर अपना ज्यूम करें तो जैसे ये वाला है पहले, फिर बाद में नेक्स्ट ये वाला आएगा, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर नेक्स्ट ये वाला आएगा, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। AP के अंदर तो मान लो कि इस लिक्विड को मैंने रो 1 लिख दिया, इसको रो 2 लिख दिया, इसकी डेंसिटी रो 3 है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सेम हाइट पर सेम लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम रहता है, तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, रो 1 जी, ये लेंथ x है ना, तो वर्टिकल हाइट लेनी होती है अपन को x, और ये वाला एंगल 30 है, तो x cos 30 मतलब ये आ जाएगा x √3/2, ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर आ गया। फिर इस ये वाली जो लेंथ है L-x बचेगी, क्योंकि ये वाली पूरी x है, तो ये L-x आ गया। अब L-x के क्रॉसपॉन्डिंग इस लिक्विड का जो प्रेशर होगा इस वाले पॉइंट पर वो कितना आएगा, डेंसिटी रो 2 है, तो रो 2 जी, लेंथ L-x है, L-x,
एंड अगेन ये वाली वर्टिकल हाइट कितनी है, ये वाला एंगल 60 है, तो एल एल माइनस एक्स साइन 60, तो साइन 60 वैल्यू अगेन रूट 3/2, इसमें सेम ही आ रहा है। अब इसमें अगर देखें तो लिक्विड एक्सेलरेट नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट पर हर पॉइंट पर हर जगह पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब यहाँ जो प्रेशर आएगा ना सेम प्रेशर यहाँ पे भी आएगा। अब इधर वाले से प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, यहाँ से देखें ये लेंथ कितनी आएगी एल माइनस एक्स, तो इसका प्रेशर कितना आएगा रो वन जी एल माइनस एक्स, अगेन वही सेम चीज़ कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू वही रूट 3/2, यहाँ प्रेशर आ गया। अब इस रो 3 कारण यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा इस वाले पॉइंट पर वो भी देख लेते हैं, रो 3 लेंथ कितनी बचेगी x, और यह आ जाएगा अगेन रूट 3/2 जी, ठीक है, तो प्रेशर सेम होना चाहिए, बस बराबर कर दो। अब यहाँ पर देखो रूट 3/2 जी, रूट 3/2 जी जो है वो हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब खाली x और l में रिलेशन बचा, रो वन रो टू रो थ्री भी है, तो रो वन एक्स प्लस रो टू एल माइनस रो टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा रो वन एल माइनस रो वन एक्स प्लस रो थ्री एक्स, ठीक है। और फिर देखो आप रो वन एक्स को आप इधर ले आओ, एक्स वाले पार्ट को इधर ले जाओ सारों को, तो एक्स वाले पार्ट को लेके जाएं तो टू रो वन एक्स को मनाया जाएगा, यहाँ रो थ्री है वहाँ रो टू है, रो थ्री इधर जाएगा तो नेगेटिव भी हो जाएगा, तो माइनस का रो टू माइनस का रो थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में देखें तो ये देखो रो टू एल है और ये रो वन एल है, तो ये आ जाएगा रो वन माइनस रो टू एल, ठीक है। अब बाकी कुछ नहीं करना, जैसे रोवन की वैल्यू मैंने लेट से ए मान ली, तो ए पी के अंदर है तो रोटू की वैल्यू कितनी आएगी, रोवन की वैल्यू आप ए रख देना, रोटू की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए प्लस डी जो डिफरेंस है, रो थ्री की जो वैल्यू है वो रख देना ए प्लस टू डी, ए पी के अंदर है ना, ये सारी वैल्यू रख दो इसमें, ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी एल बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ बी कैपेबल ऑफ टर्निंग ट्यूनिंग टर्निंग है ये टर्निंग अबाउट इट्स एंड विच इज आउट ऑफ ऑर्डर रेस्ट इंक्लाइन टू द वर्टिकल इफ इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 5/9 व्हाट इज द लेंथ इमर्ज इन द वॉटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हुआ वाटर की डेंसिटी रो है, तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी 5 रो/9। अब ये कितना पार्ट जो है, व्हाट इज द लेंथ इमर्ज इन द वॉटर, कितना पार्ट डूबा हुआ अंदर, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसकी जो भी है मैकेनिक्स देख लेते हैं अपन, देखो यहाँ से हिंज कर रखा हमने, पिवोटेड है, यहाँ तक ही डूबा हुआ है सपोज, तो पहली बात तो ये कि इस पे इस पॉइंट के बाउंड देखें तो टॉर्क निकालना पड़ेगा, और टॉर्क नेट टॉर्क कितना करना है 0, तो एक तो एम जी का लगेगा, तो बी है ना, तो बी बाई टू लेंथ पर जो है टॉर्क लगेगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये लेट कर लीजिए कि जो मास है इसका, जैसे डेंसिटी 5/9 है, ये 5/9 इंटू रो इसकी डेंसिटी आ गई, और लेंथ लेट से इसकी बी है तो कंप्लीट लेंथ बी, ठीक है, तो ये एक तरीके से मास आ गया, एरिया तो सेम होगा, डूबा हुआ जो पार्ट होगा उसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा, तो एरिया को मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, तो 5/9 इंटू रो, ठीक है, इंटू बी, तो ये इसका मास आ गया एक तरीके से, और इंटू में जी कर दें तो एम जी लग गया, और एम जी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आएगी, दिस इज बी बाई टू, राइट, सो बी बाई टू साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा बी बाई टू साइन थीटा, ठीक है। अभी एम जी वाला टॉर्क इधर लग रहा है, अब इस टॉर्क को बैलेंसिंग फोर्स वाला जो टॉर्क होगा वो बैलेंस करेगा, बाइनसी फोर्स ध्यान रखना इतने लेंथ के लिए लगेगा। अब ये लेंथ हमें पूछा है कि ये लेंथ कितना है, लेट से दिस लेंथ इज एक्स, अगर ये एक्स लेंथ डूबा हुआ है तो इस पर बायंसी फोर्स जो लगेगा इसकी सेंटर ऑफ बायंसी पे लगेगा, सेंटर ऑफ बायंसी एक्चुअल में इस पार्ट का जो डूबे पार्ट पार्ट दिख रहा है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो बायंसी फोर्स इधर लगेगा। और अगर मैंने ये एक्स लेंथ कंसिडर की तो ये लेवल लेंथ कितनी आएगी, एक्स बाई टू, करेक्ट, ये यहाँ से इस एंड से लेंथ एक्स बाई टू आएगी। सबसे पहले बायंसी फोर्स की बात करें, बायंसी फोर्स कितना लगेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू में जो पार्ट डूबा हुआ है, लेंथ कितनी है उसकी एक्स, और इंटू में जी, ठीक है, तो एरिया तो मैंने कंसीडर नहीं किया, एरिया कट जाएगा, मैं पहले बोल चुका हूँ इसको, तो बायंसी फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो अब हमें बायंसी फोर्स का टॉर्क लेना है, उसके लिए हमें ये वाला लेंथ लेनी पड़ेगी। अब ये वाला लेंथ कितनी आएगी, ये कंप्लीट लेंथ बी है, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, ये वाला लेंथ एक्स बाई टू है, तो बी माइनस एक्स बाई टू ये आ गया, और लेंथ आ गई, लेंथ का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वाला परपेंडिकुलर, अगेन साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, बाकी कुछ नहीं है, रो जी साइन थीटा, रो जी साइन थीटा कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने के बाद अपने पास वैल्यू आएगी बी बाई थ्री, तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए, ए सॉफ्ट बबल हैज रेडियस आर एंड थिकनेस डी वेरिएबल लेस देन आर शोन, इट कोलैप्स इनटू ए स्फेरिकल ड्रॉप, द रेशियो ऑफ द एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप टू द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इज,
तो पहले ड्रॉप के अंदर प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर सोप बबल के बीच में प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो एक्सेस प्रेशर सोप बबल में कितना होता है वो निकाल लेते हैं, डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा पी टू लिख देता हूँ इसको मैं। तो डेल्टा पी टू कितना आएगा सोप बबल के लिए, सोप बबल के लिए आता है 4T/R, ठीक है। और जब ये ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ उसकी रेडियस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, ये ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, इसकी रेडियस सपोज स्मॉल आर है, तो अब इसमें प्रेशर कितना आएगा डेल्टा पी वन विच इज 2T/r। तो हमारा मेन टारगेट है स्मॉल आर पर, स्मॉल आर कितना आएगा, देखो लिक्विड इसी में ही फिल्ड है केवल, इस पार्ट के अंदर ही जिसको मैंने रेड कंसिडर किया है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम निकालना है, काफी सिंपल है, 4πr² dx ना, तो वॉल्यूम आ जाएगा 4πr² dx, एंड dx इज d, dx यहाँ पर d है, बराबर इस छोटे वाले गोले का वॉल्यूम इसके बराबर कर दो, यही तो वाटर में मतलब ड्रॉप में कन्वर्ट होगा, 4/3πr³, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 3 आप उधर ले जाइए, तो 3r² d अपोन, नहीं अपोन की कोई जरूरत नहीं है, ये बराबर r³ आ गया, तो r³ 1/3 आ जाएगा। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है ये वाली यहाँ रखनी है हमें, तो डेल्टा पी अपने पास आ जाएगा 2t/r विच इज 3r² d^3, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अब ये डेल्टा पी वन आ गया, डेल्टा पी टू है, इन दोनों को इसमें डिवाइड कर दो, डेल्टा पी वन में डेल्टा पी टू को डिवाइड करोगे ना तो आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, ए मेटल वायर इज क्लैंप्ड बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू सेंटीग्रेड, द अनस्ट्रेंड लेंथ ऑफ द वायर इज एक्जैक्टली इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स, ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज डिक्रीज द वायर द ग्राफ बिटवीन इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी यू एंड टेम्परेचर टी ऑफ द वायर इज, तो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी और टेम्परेचर टी के बीच में ग्राफ पूछा है हमसे, ठीक है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने उनको अटैच किया, ठीक है, दोनों वॉल्स के बीच में, और वहाँ पर उस समय वायर के बीच में कोई स्ट्रेन नहीं था। अब हमने इसको ठंडा करना स्टार्ट किया, ठंडा करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो लेंथ कम होगी ना, तो वो एक्चुअल जो ओरिजिनल जो एक्चुअल लेंथ थी ठंडा करने पर वो कम हो जाएगी, लेकिन वॉल उसको जाने नहीं देगा तो वॉल उसको एक्सटेंड कर देगा एक तरीके से। तो पहली बात तो ये कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो एनर्जी डेंसिटी थी 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेन, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। स्ट्रेस की बात करें तो थर्मल स्ट्रेस लगेगा, और थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, थर्मल स्ट्रेस अपने पास आ जाएगा y α × Δt, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, तो ये थर्मल स्ट्रेस आ गया अपने पास। और थर्मल स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन को स्ट्रेस से अगर अपन लिखें तो स्ट्रेन आएगा स्ट्रेस अपॉन के, तो इसका स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में के आ जाएगा, ठीक है, सॉरी वाई के नहीं, वाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो 1/2 × स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में वाई। अब यहां पर वाई कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, ये वाई कांस्टेंट, डेल्टा टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है विच इज ऑब्वियसली 20 माइनस टी, ठीक है, 20 माइनस टी या टी माइनस 20 का स्क्वायर आप इसको कर सकते हो, स्क्वायरिंग करेंगे वैसे भी, तो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, है ना, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना इस तरीके से, 20 माइनस टी है ये, तो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, और पैराबोला देखे देखा जाए तो इसमें इस तरीके का ये पैराबोला बन जाएगा। भाई अगर टी जीरो से होता तो फिर इस केस में ऐसा पैराबोला बनता, लेकिन 20 माइनस टी है, टी माइनस 20 है, हालांकि दोनों का स्क्वायर का तो वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वैसे स्क्वायरिंग हो रही है, लेकिन अपन टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसमें कौन सा ग्राफ फिर सही हो जाएगा, सेकंड, टेम्परेचर डाउन करेंगे तभी तो वो स्ट्रेच होगा, तभी तो एक्सटेंड होगा, तभी तो एनर्जी स्टोर होगी, इसमें ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस टाइप से, ये ऐसा 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 पैराबोला टाइप में ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 14th, ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ मास 0.2 ग्राम इज प्लेस्ड बिटवीन द टू ग्लास प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.01 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स इफ सरफेस टेंशन वाटर इज दिस। देखो दो प्लेट्स हैं, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, इनके बीच में लिक्विड को आपने फिल कर दिया एक तरीके से ड्रॉप को, तो सरफेस सिंगल सरफेस बनेगी और ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर बाहर की तरफ प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पर भी ऊपर भी प्रेशर पी नॉट है, अंदर प्रेशर जो आएगा ना वो आ जाएगा P0 - T/R, ठीक है, सिंगल सरफेस है, T/R सिलेंड्रिकल वो भी, तो प्रेशर अंदर P0 - T/R आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो यहाँ पर पी नॉट है, यहाँ अंदर P0 - T/R, और एरिया अगर मैं ए लेट कर लूँ यहाँ पर, तो जो ओवरऑल जो फोर्स लगेगा पी नॉट वाला फोर्स, तो देखो अंदर वाला जो प्रेशर वो भी फोर्स यूँ ऊपर लगाएगा, और बाहर वाला प्रेशर जो एटमोसफियर प्रेशर जो है वो भी डाउनवर्ड लगाएगा, तो पी नॉट वाला तो कट जाएगा, तो टू टी टी बाय आर वाला जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा इस पर, वो भी डाउनवर्ड, मतलब दोनों प्लेट्स पर यूँ लगेगा, एक प्लेट पर लगने वाला फोर्स कितना है, T × R × A, कैपिटल A क्या है, प्लेट एरिया।
अब आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.01 सेंटीमीटर, इन दोनों प्लेट्स के बीच में गैप दे रखा है आपको 0.01 सेंटीमीटर, और जो आर है ना ये रेडियस लिए मैंने सिलेंड्रिकल सर्फेस की, तो आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये गैप आ जाएगा टी, टी मान लिया मैंने, तो आर बराबर कितना आ गया टी बाई टू, तो आर की वैल्यू टी बाई टू रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो टी बाई टू टू पर चला जाएगा और यहाँ एरिया आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमें टी गिवन है, सरफेस टेंशन वाटर गिवन है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, स्मॉल टी जो गैप है दोनों प्लेट्स के बीच का वो भी दे रखा है, वो भी यहाँ रख देंगे, टू तो चलो कॉन्स्टेंट है ही, और ए क्या है एरिया। अब एरिया को कैसे डील करें, देखो वाटर ड्रॉप जो इसके अंदर हमने प्लेट्स के बीच में जो रखा हुआ है, ठीक है, उसका मास हमें गिवन है और उससे हमें एरिया निकालना है, तो एक तरीके से क्यूबॉइड बन रहा है ऑलमोस्ट, और क्यूबॉइड बन रहा है तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वाटर का वो क्या रख सकता हूँ, ए इंटू टी ना एरिया इंटू टी, ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम का डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास आ जाएगा, तो अपने पास जो यहाँ ए है ना उस ए को मैं रख सकता हूँ एम बाई रोटी, ठीक है, एम बाई रोटी, तो टू टी अपॉन में स्मॉल टी, ए की वैल्यू रख सकता हूँ मैं एम बाई रोटी, रो टी स्क्वेयर, है ना, ये फाइनल रिजल्ट आया अपने पास। तो मास गिवन है, रो पानी का जानते ही अपन 1000 होता है वो रख सकते हैं अपन, टी की जो वैल्यू है वो भी हमें गिवन है, कैपिटल टी की वैल्यू भी गिवन है, सारी वैल्यू प्रॉपर तरीके से अगर अपन रखें ना यहाँ पर, डाटा दे रखा है हमें, तो आंसर इसका 2.8 न्यूटन आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 15th पे आ जाइए, देर इज 1 mm थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन बिटवीन ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया दिस एंड ए बिग फिक्स्ड प्लेट, इफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज दिस देन हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो लेयर है अपने पास एक, ठीक है, एक प्लेट यहाँ पे रखी हुई है नीचे, वो फिक्स्ड है, ठीक है, और ये थिकनेस दे रखी है अपन को लेयर की टी, और एक प्लेट ऊपर है देखो, तो हम इस वाली प्लेट को पुल कर रहे हैं, तो इस वाली प्लेट को पुल करेंगे तो इस पर विस्कस फोर्स लगेगा और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है प्लेट, ठीक है, तो विस्कस फोर्स कितना लगेगा ताकि जो फोर्स आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स वो एग्जैक्टली उसको बैलेंस कर दे, ठीक है, तो विस्कस फोर्स और जो प्लेट पे जो अप्लाइड फोर्स है दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाके ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स विस्कस फोर्स के बराबर होगा एंड विच इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीवाई। तो डीवी बाय डीवाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इस वाली सर्फेस का जो वेलोसिटी है वो वी है, नीचे वाले का कितना है जीरो है, तो वी डीवी बाय डीवाई एक्चुअल में देखा जाए तो वी बाय टी है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ईटा ए वी बाय टी, ये आ गया जी। हमसे पूछा एफ की वैल्यू, देखो ईटा गिवन है हमें 10 kg पर मीटर पर सेकेंड, एरिया गिवन है प्लेट एरिया 10 cm स्क्वायर रख सकते हैं हम, और वी गिवन है 7 cm पर सेकेंड, ठीक है, और टी जो है जो थिकनेस है वो थिकनेस भी हमें गिवन है, थिकनेस यहाँ पर कितनी है 1 mm। देखो ये सारी वैल्यू अगर हम रखें ना यहाँ पर तो अपने पास आंसर आता है 0.7 न्यूटन, ठीक, सेकेंड ऑप्शन, काफ़ी सिंपल सा है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखनी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, ए स्मॉल बॉडी विद रिलेटिव डेंसिटी d1 फॉल्स इन एयर फ्रॉम ए हाइट h ऑन टू द सर्फेस ऑफ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी d2 वेयर d2 इज ग्रेटर देन d1, द टाइम लैप्स्ड आफ्टर एंटरिंग द लिक्विड टू द इंस्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट इनसाइड द लिक्विड इज। देखो हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया, ये हाइट h है, तो सीधी सी बात है जब ये इस लिक्विड सरफेस पर जब एंटर करेगा तो इसमें स्पीड कितनी होगी यहाँ पर, अंडर रूट में 2gh, फिर बाद में ड्यू टू बायोंसी इस लिक्विड पे बायोंसी फोर्स लगेगा, देन रिटार्डेशन फोर्स लगेगा ओवरऑल, एंड फाइनली ये कुछ दूरी जा करके रुकेगी, है ना, यहाँ जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब पानी के अंदर या इस लिक्विड के अंदर बात करें अपन, तो इस पर बायोंसी फोर्स कितना लगेगा, ओवरऑल फोर्स जो एक्सेलरेशन अपवर्ड लगेगा तभी जाकर के वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन कितना है, तो बायोंसी फोर्स लेना पड़ेगा अपन को। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है d1 और लिक्विड की कितनी है d2, तो एक तो mg लगेगा इस पर, तो mg डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, तो d1 इंटू d1 कर दीजिए इंटू में g, ये mg लग गया एक तरीके से, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा तो वॉल्यूम कट जाएगा माइनस, और d2 जो डेंसिटी है उसके कारण बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा, और बायंसी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो मेरे को d2 में से घटाना है, तो d2g - d1g, ठीक है, तो ओवरऑल फोर्स ये अपवर्ड लगा बराबर ma मतलब बोले तो d1 मतलब इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंटू में a, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें हम तो a की वैल्यू अपने पास आ रही है d2 - d1 / d1 × g, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी अपने पास अंडर रूट में 2gh, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन अपवर्ड है अपोजिट है, वी बराबर यू प्लस एटी लगा दीजिए क्योंकि टाइम पूछा हमसे, वी बराबर यू प्लस एटी, वी तो 0 है तो यू प्लस एटी और ए इज नेगेटिव, देन टी कितना आ जाएगा यू बाई वी, यू की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2gh और यू बाई ए सॉरी
और ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, डी टू माइनस डी वन जी अपॉन में डी वन आ गया। ठीक है, तो रूट जी से रूट जी यहाँ पे कट जाएगा, तो अंडर रूट में टू एच बाई जी तो ये कन्फर्म आने वाला है, और बाकी मल्टीप्लाई में देखें तो डी वन अपॉन में डी टू माइनस डी वन आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सेकेंड नजर आ रहा है अपने को। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th भाई, force acting on a uniform road having length 12, area of cross section A and Young's modulus y are shown the figure. Elongation of the road is, road में elongation पूछा हमसे कितना है। देखिए force यहाँ पर भी F लग रहा है, यहाँ पर भी F लग रहा है, तो overall force road पे left side में 2F लग रहा है and right side में कितना लग रहा है 2F, net force is 0। लेकिन अगर segment में देखें अपन, दो अलग अलग part बन रहे हैं यहाँ पर, इधर वाले part पर force F लग रहा है देखो, तो इधर वाले part भी force F लगेगा ताकि overall force क्या हो, 0। इधर वाले पार्ट पे देखो, इधर की तरफ 2F लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा 2F लगेगा, ताकि ओवरऑल फोर्स क्या हो, 0। ठीक है, अब इसमें इलोंगेशन चेक करना है, तो L इसकी एक्चुअल लेंथ है, इसकी भी L एक्चुअल लेंथ है, इसमें इलोंगेशन कितना आएगा, फॉर्म लगा दीजिए, स्ट्रेस कितना आएगा F ऑन A Y एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन इसमें एक्सटेंशन मान लीजिए एक्स वन है तो एक्स वन बाय L, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आई, एफ एल बाय वाई ए, है ना, तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एफ एल बाय वाई ए। सिमिलर वे से मटेरियल ये भी सेम है, लेंथ भी सेम है, फोर्स 2F लगा है बस, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसमें 2F आ रहा है, तो इसमें इसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो कितना आएगा 2FL by YA, तो ओवरऑल जो एक्सटेंशन आया X1 plus X2 आएगा, तो 2FL by YA plus FL by YA मतलब 3FL by YA इसका आंसर आ जाएगा, विच इज फोर्थ, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं 18th पे। A point mass m is suspended using two wires of different materials shown in the figure. If cross section of the area of the wire 1 and 2 are 3 mm square and root 3 mm square respectively, then which of the following is correct? देखिए यह mass है, दो string आपको दे रखी है या wire दे रखे हैं, आपको इनमें पूछा है कि कौन सा statement सही है, stress wire, stress in wire 2, stress के बारे में पूछा है। stress को देखते हैं, चलो देखो ऐसा कुछ scene है, यहाँ पर tension जो इस जो वायर वन है इसमें टी वन मान लिया, इसमें टेंशन टी टू है, और दोनों में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो एम जी डाउनवर्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो एम जी के मैं दो कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ठीक है, तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 आएगा, तो एम जी का इस तरफ कंपोनेंट कितना है, एम जी कॉस 30 मतलब एम जी रूट 3 बाई 2, इस तरफ आएगा एम जी साइन 30 एम जी बाई 2, मतलब ये वाला इसको बैलेंस करेगा, ये वाला इसको बैलेंस करेगा, तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है T1 equals to mg root 3 by 2 and T2 equals to mg by 2, ये दोनों फोर्स आ गए अपने पास। अब अपन से स्ट्रेस पूछा है, सबसे पहले वायर 1 में स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस के लिए एरिया चाहिए होगा, वायर 1 का एरिया कितना है 3 मिलीमीटर स्क्वायर, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं अपन, तो इसमें मुझे इसमें स्ट्रेस फाइंड करना है, तो सिग्मा 1 ये आ जाएगा mg by 2, और रूट 3 है और नीचे 3 को डिवाइड करेंगे, तो रूट 3 ऊपर नीचे 3, तो रूट 3 नीचे बचेगा, सही है। वायर नंबर 2 में बात करें, स्ट्रेस 2 देखें तो एम जी बाई 2, तो ये फोर्स आ गया, और वायर 2 का जो एरिया वो रूट 3 मिलीमीटर स्क्वायर, तो रूट 3 से डिवाइड करो, तो देखो दोनों में स्ट्रेस सेम आ रहा है, देखो सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस 2 आर इज बेंड इनटू ए सेमी सर्कल एज शोन इन द डायग्राम, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो गिवन आपको, ठीक है, और मटेरियल जो है इसका स्ट्रेंथ जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इस मटेरियल का वो 324.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। आपसे पूछा है इस पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जिससे कि पाइप ब्रेक नहीं हो, टूटे नहीं। ठीक है, आप देखिए इस पाइप के अंदर लिक्विड जो फ्लो करेगा लिक्विड का मोमेंटम चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ से मैं लिक्विड कुछ एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ डी एक्स लेंथ का, तो ये एलिमेंट जब एंटर करेगा वी स्पीड से उतना उतना सेम अमाउंट में लिक्विड बाहर आ जाएगा, तो मोमेंटम में चेंज तो ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, तो इसका मास अगर मैं डीएम कंसीडर करूं, सेम मास का लिक्विड बाहर आएगा, तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, सेम स्पीड से बाहर आया, तो डीएमवी डीएमवी टू टाइम्स ऑफ डीएमवी चेंज इन मोमेंटम आ गया, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ डीएमवी। अब डीएम की वैल्यू रखनी है हमें, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू या डीपी लिख सकते हो चाहो तो इसको, टू इंटू वी इंटू डीएम, डीएम क्या आएगा इसका मास एलिमेंट का, रो इंटू डी वी, डी वी इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ जाएगा एरिया, एरिया अंदर वाला एरिया क्योंकि जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में ये जो लेंथ है डी एक्स, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा डी टी, क्यों डी टी, क्योंकि फोर्स हमें चाहिए तो डी वी बाई डी टी करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, टू वी डी एक्स बाई डी टी वी के बराबर है, तो टू वी स्क्वायर आ जाएगा, रो पाई
आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आ गया फोर्स। अभी जो फोर्स है वो पाइप पे लगेगा, मतलब एक्चुअल में लग रहा है किस पे, लिक्विड पे। लिक्विड पे कौन लगा रहा, पाइप, ठीक है। तो इसका मतलब लिक्विड उतना उतना फोर्स पाइप पे भी लगाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर अगर हम देखें ना, इस लिक्विड पे पाइप लगा रहा है और पाइप पर लिक्विड खुद लगा रहा है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट पे देखें ना, इस वाले पार्ट पर ये पाइप जो घूम रहा है, ठीक है, इस वाले पाइप पर लिक्विड यूं ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा, क्योंकि लिक्विड पे फोर्स नीचे लगा, अंदर की तरफ नीचे की तरफ लगा, तो लिक्विड फोर्स ऊपर लगाएगा। तो लिक्विड के कारण इस पाइप पर लगने वाला फोर्स ऊपर है, तो पाइप जो है ऊपर की तरफ धक्का खाएगा। तो इसके जो नीचे वाला जो पाइप कनेक्टेड है ना, इस पर फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ, या ये वाला नीचे वाला इस पे नीचे की तरफ लगाएगा, जो सेमी सर्कुलर जो नजर आ रहा है। तो इस वाले पाइप को कंसीडर करो, इस पे टेंशन यूं लगेगा, देखो लेंथ के लॉन्ग टेंशन फोर्स लगेगा, यहां जितना लगेगा सेम यहां लगेगा सिमेट्रिकली। तो टी टी, तो टू टी फोर्स जो है वो इस वाले पाइप पे लगा, और इस वाले पाइप पर लिक्विड लगा रहा है, और लिक्विड कौन लगा रहा है, पाइप लगा रहा है। तो इसका मतलब मैं जो ये जो फोर्स हमने जो कैलकुलेट किया, इसको टू टी के बराबर कर सकते हैं, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, देन यू हैव टी इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास टेंशन आ गया। अब जब टेंशन अपने पास है तो अपन को ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है। देखो ध्यान से, ये जो पाइप है, इस पाइप का जो इनर रेडियस है वो आर है, एंड आउटर रेडियस कितनी है, 2R। तो मटेरियल जो है केवल इसी पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है ना, और जहां मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई इंटू टू आर का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, समझ गए ना बात को। खाली ये ग्रीन कलर वाला जो एरिया वो चाहिए, तो वो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्स में जो टेंशन आया, उस फोर्स में एरिया को डिवाइड कर दूं 3 पाई आर स्क्वायर को, तो अपने पास स्ट्रेस आ जाएगा। और ये स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर कर दें ब्रेकिंग स्ट्रेस के, तो अपने पास स्पीड भी मैक्सिमम आ जाएगी। तो पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो रो वी स्क्वायर बाई थ्री आ गया। रो की वैल्यू हमारे पास है 1000, वी स्क्वायर अपॉन थ्री, यहाँ जाएगा 3 × 10⁻¹। ये 3 कट जाएगा, ये 4 बचा, ठीक है, 4 बचेगा और ये 9 आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ गया 9 × 10⁴, ठीक है। वी की वैल्यू 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास पूछा है, ये वैल्यू हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द फ्लूइड कैन फ्लो इन द पाइप इज k × 10 m/s, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 k इक्वल आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ साइड 10 cm फ्लोट्स एट द इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज शोन द फिगर विद इट्स लोअर फेस 2.0 cm बिलो द इंटरफेस। The density of oil is 0.5 gram per centimeter cube. The mass of the block in kg will be. देखो buoyancy force पर based ये question है, simple सा question है, और हमसे mass पूछा इस block का। m let कर लीजिए, mass mg, mg मतलब m, तो mg gravitational force लग गया। oil की जो density है वो 0.5 gram per centimeter cube है, ठीक है, और 2 cm ये इसके अंदर dip कर रहा है, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी ऑब्वियसली अपन क्या मानेंगे, 1 g/cm³ कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखिए, जो भी फोर्स लगेगा ऑब्वियसली एरिया में, साइड लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर, तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शन तो लगेगा ना। ये पूरी लेंथ कितनी है, 10 है, ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 cm। तो ऑयल जो बायंसी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल विच इज 0.5 इंटू वॉल्यूम 8 cm इंटू एरिया, ये कितना है, 10, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो ये तो आ गया रो इंटू वी इंटू में जी, तो ये रो वी जी फोर्स लग गया। जो वाटर है वो भी फोर्स लगाएगा उसी वे में ही, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1, ठीक है, 2 cm, ओके, और एरिया कितना आ जाएगा, 100, और इंटू में जी बराबर कितना आ जाएगा, एम जी। तो जी 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 कैंसिल आउट हो गया, बस यहाँ से इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ये 1/2 आ जाएगा, 2 × 4 = 8, 400 × 200 कितना आ जाएगा, 600 g आ जाएगा, क्योंकि जी तो वैसे भी सेम था सब में, जी तो सबसे कट गया, तो 600 g जो है इसका मास आ जाएगा। अब 600 g है, केजी के अंदर चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 kg, तो इसका आंसर 0.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, water is flowing through a horizontal tube of variable cross section as shown in the figure. The area of cross section at the inlet and outlet is 4 mm² and 1 mm² respectively. If 1 ml of water enters per second through inlet, speed of water in meter per second at outlet is. देखो,
एरिया दे रखा है आपको, है ना। और ये कह रहा है स्पीड ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड एट आउटलेट, आउटलेट से कितनी स्पीड से वाटर बाहर आएगा, और ये कह रहा है 1 मिलीलीटर वाटर जो है पर सेकेंड एंटर कर रहा है। तो क्यू जो है यहाँ पर 1 मिलीलीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और क्योंकि वैल्यू हमें, और मीटर पर सेकेंड में इसको कैलकुलेट करना, क्यू बराबर कितना होता है ए इंटू वी। यहाँ पे आउटलेट पर अपन से स्पीड पूछी है, तो आउटलेट पे जो एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बस एरिया रख दो यहाँ पर। क्यू की वैल्यू 1 मिलीलीटर है पर सेकेंड, इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिलीलीटर मतलब 10^-3 लीटर, और 1 लीटर को अगर अपन लिखें तो मीटर क्यूब में, तो 1/1000 आ जाएगा, सही है। तो ये आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड बराबर एरिया, ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10^-3 का स्क्वायर मतलब -6 × v। ये देखो इससे कट जाएगा पूरा पूरा पार्ट, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा थर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, फोर्थ। ए वेसल कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो 1 रो 2, रो 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1000, रो 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1500। ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन अपन को 10^-3 एंड डेंसिटी भी गिवन है 800, ठीक है। इज टाइड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड द अदर इज टाइड द बॉटम ऑफ द वेसल शोन द फिगर। द ब्लॉक इज इमर्स्ड विद 2/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इन द लिक्विड द हायर डेंसिटी, ठीक है, 3/5 इन द लिक्विड ऑफ द लोअर डेंसिटी। लोअर डेंसिटी जो ऊपर फ्लोट करेगा, तो ये 3/5 वॉल्यूम ये वाला है, ये 3/5 भी हो जाएगा, ठीक है, लोअर डेंसिटी के अंदर। और इसके अंदर जो डूबा हुआ पार्ट है ना, वो आ जाएगा 2/5 वॉल्यूम का टोटल, ठीक है। द एंटायर सिस्टम इज कैप्ट इन एलिवेटर विच इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जी बाय डी, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है, देखिए काफी सिंपल सा केस है ये, आपको अंदर के फ्रेम से स्टडी करना है इस पर। पहली बात तो शीरो फोर्स लगाना प्रॉपर तरीके से, बायंसी फोर्स लगाना, टेंशन फोर्स लगाना। टेंशन फोर्स डाउनवर्ड है, तो टी डाउनवर्ड लगा दो प्लस में। अब बात करेंगे सबसे पहले एम जी की, एम जी डाउनवर्ड लगेगा इसका, एम कितना आएगा, एम आएगा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक डी गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू जी, लेकिन बायंसी फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, सॉरी शीरो फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलेट हो रहा है, तो जी बाई टू से एक्सेलेट हो रहा है अपवर्ड, तो जी भी नीचे एंड जी बाई टू भी, बायंसी फोर्स के कारण इफेक्टिव जो जी है वो कितना आ जाएगा 3g/2 आ जाएगा, तो डी वी 3g/2। तो ये एम जी और टी दोनों लग गए। अब बायंसी फोर्स की बात करें, ये वाला जो लिक्विड है ये बायंसी फोर्स ऊपर लगाएगा, ऊपर वाला लिक्विड, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/5, और रो 1 है डेंसिटी, और वी भी आ जाएगा, ठीक है। और जो बायंसी फोर्स है उसमें भी अगेन 3g/2 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बाद में लिख देंगे 3g/2 को। और उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, उसका वॉल्यूम है 2/5 वी रो 2, ठीक है, एंड इधर आ जाएगा 3g/2। ये लो, तो यहाँ से टेंशन फोर्स पूछा हमसे, बाकी इनकी वैल्यू रखनी है हमें, टी प्लस 3g/dv/2 बराबर, यहाँ देखिए कितना आएगा 3 रो 1 प्लस 2 रो 2 / 5 v 3g/2 v, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, टी प्लस 3 एंड g की वैल्यू 10 रख देते हैं हम, 10 दे रखा है, 30/2 आ जाएगा, और इधर d की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ 800, और v की वैल्यू दे रखी है 10^-3, वी की 10^-3 है, तो 10^-3 वैसे भी कट जाएगा यहाँ से, तो 2 4, तो t प्लस ये तो 12 आ गया, इस तरफ देखते हैं चलो। तो ये रो 1 है, रो 1 की वैल्यू 1000 है, तो 3000 आ जाएगा, और रो 2 की वैल्यू 1500 है, तो 1500 × में 2 करेंगे तो भी 3000 आ जाएगा, 3 और 3 कितना आ जाएगा 6000, अपॉन में 5 है, ये ऊपर 3 है, ये 2 है, और ये जी 10 है, और वी की वैल्यू 10^-3 है, 10^-3 डायरेक्ट 10^-3 10^-3 से इधर कट जाएगा, 5 × 10, ये 10 से 10 कट गया, 6 × 18 ये 18 आ गया, तो इधर टी प्लस 12 बराबर 18 है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 न्यूटन जो है इसका अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन में पूछा था 6 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक कॉन्क्रीट कॉलम है, ठीक है, कुछ ऐसा देखो, और इसमें आयरन बार्स हैं, ठीक है, आयरन रोड है, आयरन रोड मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी,
अज्यूम दैट द आयरन ऑक्यूपाइज 1/20th ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया. टोटल अगर एरिया में अगर ए कंसीडर करूं पूरा कंप्लीट, तो आयरन बार जो है इसका एरिया आएगा ए बाय 20, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो कंक्रीट का आएगा केवल, वो आ जाएगा ए माइनस ए बाई 20, मतलब 19 ए बाई 20. यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज 1/10th ऑफ दैट ऑफ द आयरन. इसका मतलब आयरन का अगर यंग मॉडुलस वाई कंसीडर करूं तो इसका आएगा वाई बाय 10. चलिए, द कंक्रीट कॉलम इज अंडर ए कंप्रेसिव लोड पी, द फ्रैक्शन ऑफ द लोड ऑन द कंक्रीट इज एन बाई 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. अगर मैं पी यहाँ पे फोर्स लगाऊं, पूरा फोर्स पी है, ठीक है, तो पी क्योंकि ये पैरेलल के अंदर आ गए दोनों को दोनों, तो एक तो ये वाली इसकी स्प्रिंग बन जाएगी, एक इसका स्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है, कंप्रेशन दोनों में सेम होगा. तो के वन प्लस के टू एक्स आएगा यहाँ पर, वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी. तो पी का कुछ पार्ट देखा जाए तो इसमें आएगा और इसमें आएगा, तो पी वन प्लस पी टू, तो कॉन्क्रीट के लिए पी सी और आयरन के लिए पी आई मैंने लिख दिया. यहाँ पर हमें पी सी का पूछा है, कॉन्क्रीट का पूछा है, तो पी बराबर पी सी प्लस पी आई, राइट. दूसरा, यहाँ जो पी सी और पी आई है इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, इन दोनों में क्या रिलेशन आना चाहिए वो देखना है. तो पी सी बराबर देखो कितना आएगा, पी सी इज इक्वल टू, कॉन्क्रीट के लिए अगर हम बात करें, ये फोर्स है तो फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक है, के एक्स. तो कॉन्क्रीट के लिए जो यंग मॉडुलस है वो कितना है, वाई बाई 10, ए एरिया, एरिया इज 19 ए बाई 20, और लेंथ मान लीजिए एल है ये, ठीक है, तो वाई ए बाय एल और इंटू में एक्स जो कंप्रेशन है. आयरन के लिए बात करें तो इसका यंग मॉडुलस वाई है, एरिया ए बाई 20, लेंथ एल है और कंप्रेशन इसमें भी एक्स है. तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें हम, तो पी सी बाय पी आई, यहाँ से देखिए ये कितना आएगा, तो y a by l into x सब कट जाएगा, ये 19 आ गया, ये 10 20 आ गया, ठीक है, और बाकी यहाँ पर 1 by 20 ऊपर चला जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से पी आई की वैल्यू कितनी है, पी आई आ गया 10 पी सी अपॉन में 19. ये पी आई की वैल्यू है, ये पी आई की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं अपन, तो अपने पास p बराबर आ जाएगा पी सी प्लस 10 पी सी अपॉन में 19, देन वी पी इक्वल्स टू 19 प्लस 10 मतलब 29 पी सी अपॉन में 19. तो पी सी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है हमसे, पी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 19 पी बाय 29, और ये वाली वैल्यू n बाय 3 के बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 इंटू 3 अपॉन में 29, ठीक है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आएगी 1.97 के राउंड वैल्यू आएगी, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, सिक्स्थ पे आ जाइए. स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज हीटेड अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज स्ट्रेस्ड बाय क्लैंपिंग इट्स टू एंड्स रिजिडली. फाइंड द चेंज इन द टेंशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 50 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. टेंशन में जो चेंज है वो चेंज पूछा है, तो कुछ नहीं है, सिंपल, ये भी थर्मल स्ट्रेस पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो एफ इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा टी, यंग मॉडुलस की वैल्यू 2.0 × 10^11 है, ये रख दीजिए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे रखा है यहाँ पर कितना, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2 × 10^-6. टेम्परेचर चेंज कितना आया, 50-30 तो 20 आ गया, ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा 2 2 2, सॉरी अल्फा भी है, अल्फा लिया नहीं हमने, अल्फा भी लेना है 1.1 × 10^-5. तो वाई लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, डेल्टा टी लिख दिया एंड अल्फा लिख दिया, ठीक है. तो ये देखो 10^-5, 10^-6, 10^11, ये सब कट गया यहाँ से, 1.1 पॉइंट हट जाएगा, जीरो हट जाएगा, तो ये 22 आ गया, और ये आ जाएगा 4, 22 × 4 कितना आया, 88, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 88, ठीक है. बाकी इसमें यूनिट नहीं दे रखी है, लेकिन नहीं दे रखी है तो हमको SI के अंदर ही इसको लिखना है, तो 88 इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. In the bottom of the vessel with mercury of density rho, there is a round hole of the radius r. The maximum height of the mercury layer will be liquid still not flow out through this hole is alpha t rho g r. ठीक है. Then find alpha. देखो ये एक vessel है. इसके vessel में एक hole कर दिया r radius का और इसमें liquid fill कर दिया.
ठीक है, और ये कह रहा है लिक्विड कितनी हाइट तक आप फिल कर सकते हो जिससे कि यहाँ से लिक्विड बाहर की तरफ ना आ जाए। तो जैसे से आप लिक्विड फ्लो करोगे, ठीक है, तो इसमें ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ पे एक स्फीयर बनेगा। जब हेमिस्फीयर बनेगा तो वो केस क्रिटिकल केस होगा। उसके बाद में अगर आपने लिक्विड को फिल किया तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि जो टेंशन है सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि वो एंगल पे आ जाएगा, फिर वो इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा एंड देन फिर ड्रॉप बाहर आने लगेगी, लिक्विड बाहर आने लगेगा। तो एच हाइट है ये, पी नोट तो वैसे भी ऊपर एंड नीचे अगर बात करें तो वो कट जाएगा प्रेशर पी नोट का। तो यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा इस पॉइंट पर, रो जी एच, और ये रो जी एच जो है वही एक्सेस प्रेशर है विच इज 2T/R, ठीक है। और हमसे पूछा है ये एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2T/ρgR, 2T/ρgR। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पूछिए तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट था जेई मेंस, ठीक है। और क्वेश्चन एक दो को छोड़ दें, बाकी काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जेई एडवांस पे। इसका सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। बलून दे रखा है, वी वॉल्यूम का मास एम इज टाइड विद टू लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ए बी एंड ए सी विद टू सर्फेसिस ऑफ द वेसल इज ऑन द फिगर, द वेसल इज फिल्ड विद द लिक्विड डेंसिटी रो, ठीक है। दो धागे भी अटैच कर रखे हैं यहाँ पर, ए सी एंड ए बी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। आगे देखते हैं क्या कहता है। एक रहे वेसल इज एक्सेलेटेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलेरेशन ए नॉट टुवर्ड्स राइट, देन टेंशन द स्ट्रिंग ए बी इज फाउंड टू बी टी1 एंड द टेंशन इन स्ट्रिंग ए सी इज T2। T2 की वैल्यू पूछी हमसे और T1 की वैल्यू पूछी है। ए बी में टेंशन कितना है T1 और ए सी में टेंशन कितना है T2, राइट साइड में अपन एक्सेलेट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी में T1 एंड ए सी में T2, तो ए बी में T1 है, इसमें T1 है टेंशन, और इसमें T2। तो सीधी सी बात, लिक्विड को यूं एक्सेलेरेट करोगे तो बायंसी फोर्स में इफेक्ट तो पड़ेगा, वर्टिकली बैलेंस, वर्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, बायंसी फोर्स ऊपर कितना लगेगा, वी रो जी, तो टेंशन कितना आएगा, T1 प्लस एम जी बराबर वी रो जी, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी रो जी माइनस एम जी। लेकिन यूं एक्सेलेरेट करेंगे अपन तो इस पर बायंसी फोर्स इधर भी लगेगा, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, एक्सेलेरेशन के अलोंग, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि जैसे जी डाउनलोड लगता है बायंसी फोर्स ऊपर लगता है ना वैसे सेम, तो एक्सेलेरेशन अगेंस्ट बायंसी फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वी रो इंटू ए नॉट। तो यहाँ पर T2 इधर लग रहा है, बायंसी फोर्स इधर लग रहा है, और फिलहाल देखा जाए तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें यहाँ के रेस्पेक्ट में, तो इस पर शीरो फोर्स भी इवन पीछे की तरफ लगेगा, मास इसका कितना है, एम है, तो शीरो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, एक्सेलेरेट इधर कर रहे हो तो शीरो फोर्स इधर लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एम इंटू में ए नॉट, ठीक है। तो ओवरऑल बैलेंस कर दीजिए इसको, T2 उधर, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V रो ए नोट माइनस एम ए नोट। चलो देखते हैं क्या आंसर दे रही है, आइए। तो T1 की वैल्यू V रो G माइनस एम जी, और T2 की वैल्यू V रो ए नोट माइनस एम ए नोट, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलें, इसको डिलीट नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट आगे स्विच करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देखिए, विद व्हाट एक्सेलेरेशन शुड द वेसल बी एक्सेलेरेटेड टू हैव जीरो टेंशन इन ए बी, ए बी में जीरो टेंशन करना है, ए बी कौन सा था, ए बी आई थिंक ए बी एंड ए सी, ए बी में टेंशन हमने फाइंड किया ना T1, एक सिंगल कंफ्यूज, अच्छा ए बी वर्टिकल है, कह रहा है कि ए बी में टेंशन जीरो करना है, तो सीधी सी बात है, ए बी में अगर आपको टेंशन जीरो करना है तो मतलब आपको T1 जीरो करना है, T1 जीरो कब होगा, अगर मैं वर्टिकली अगर इसको रिलीज कर दूँ ना, फ्री फॉलो तो शीरो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, बायंसी फोर्स की वैल्यू उसके इसमें कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। और इसके रेस्पेक्ट में जो शीरो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो शीरो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, शीरो फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। तो शीरो फोर्स यहाँ पर किस तरफ लगेगा, अगर मैं फ्री फॉल कर दूँ तो ये डाउनवर्ड जाएगा जी एक्सेलेरेशन से, तो शीरो फोर्स किधर लगेगा, एम जी ऊपर लगेगा, एम जी डाउनवर्ड लग ही रहा है, तो एम जी से एम जी कैंसिल आउट होगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसके, इसमें जीरो हो जाएगी, और शीरो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी बायंसी फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो टेंशन इन ए बी कितना आ जाएगा उसके, इसमें जीरो आ जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा केस है, देखते हैं क्या कह रहा है। वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलेरेशन जी, ना ये तो गलत हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन जी, खत्म। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा ही पार्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आइए, एक ट्यूब दे रखी है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, ए है यहाँ पर, और ट्यूब आगे से टेपर कर रखी है हमने, इसका एरिया आगे की तरफ कितना है, के टाइम्स ए है, और के की वैल्यू 1 से लेस है, और यहाँ पर ये एक पिस्टन है और पिस्टन पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, और इससे लिक्विड बाहर आ रहा है और जो कि दीवार पे जो है वो टकराएगा और स्प्रेड्स आउट मतलब फैल जाएगा, दीवार की तरफ से फैल जाएगा साइड से, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। आगे क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट कांस्टेंट स्पीड डज द पिस्टन मूव्स इफ एक्सटर्नल फोर्स हैज कांस्टेंट वैल्यू एफ, तो पिस्टन किस स्पीड से मूव करेगा अगर इसको इस पर कांस्टेंट फोर्स एफ अपन अप्लाई करें। ये कुछ केस है, देखो यहां ये पिस्टन है, पिस्टन पे फोर्स लगाया हमने एफ, एरिया इसका कितना है ए, ठीक है, यहां पर लिक्विड बाहर आएगा, यहां एरिया कितना है ए। पिस्टन की स्पीड अगर मैं वी कंसीडर करूँ, लिक्विड इसके साथ जो होगा वो भी वी स्पीड से बाहर आएगा, और यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी स्पीड वी रेस मान ली हमने, ठीक है, और यहाँ वाला एरिया कितना है के टाइम्स ए है। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देखें हम, तो ए वी इक्वस टू के ए टाइम्स वी डैश आ गया, यहाँ से ए से कैंसिल आउट हुआ, वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वी बाई के, तो यहाँ पर जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी स्पीड हमारे पास है। अब हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन देखें तो इन दोनों पॉइंट के लिए बर्नौली इक्वेशन लगा सकता हूँ, यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, पी नोट तो वैसे भी कट जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन में ए प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ रो लिक्विड की वी स्क्वेयर, रेफरेंस लेवल्स दोनों का सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी लेने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बराबर जब लिक्विड बाहर आएगा यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ रो डेंसिटी वही है और वी डैश का स्क्वेयर हो गया। अब वी डैश की वैल्यू वी बाई के यहाँ रख देंगे हम, एफ बाई ए प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस हाफ रो सॉरी हाफ रो वी डैश स्क्वेयर, वी डैश की वैल्यू कितनी है वी बाई के, तो वी स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर, आपको यहां पर वी की वैल्यू चाहिए, वी कितना है तो एफ बाई ए इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, रो बाई टू वी स्क्वेयर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 ओवर के स्क्वेयर माइनस 1, 2 एफ अपॉन में रो ए और के स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वेयर बराबर वी स्क्वेयर, तो अंडर रूट कर दो ये वी आ जाएगा, वी बराबर आ गया अंडर रूट में 2 एफ के स्क्वेयर अपॉन में रो ए 1 माइनस के स्क्वेयर, 2 एफ अपॉन में रो ए के स्क्वेयर अपन 1 माइनस के स्क्वेयर अंडर रूट के अंदर है पूरा पूरा, तो इसको आप चेक कर सकते हो कौन सा सही है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछ रहा है पहले डिलीट नहीं करते हैं। ये कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड स्ट्रीम ऑन द वॉल इज, तो वॉल पर लिक्विड स्ट्रीम जो है वो फोर्स कितना लगाएगी, ठीक है आइए जी। तो यहाँ पर ये दीवार है, दीवार पर जब लिक्विड भिड़ेगा तो इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट कंसीडर कर लो एक छोटा सा, यहाँ पर जो स्पीड है वो वी डैश थी और इस एलिमेंट का मास डीएम मान लीजिए, तो डीएम कितना आएगा रो इंटू डीवी बाय डीटी फोर्स आ जाएगा, ये तो डीएम आ गया, डीएम आ जाएगा रो इंटू डीवी, डीवी वॉल्यूम है ध्यान रखना, और वेलोसिटीज की यहाँ पर वी डैश है तो मोमेंटम कितना आ जाएगा डीएम वी डैश विच इज रो इंटू डीवी इंटू वी डैश बाय डीटी कर दूँ फोर्स आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम में जो चेंज है वो इतना ही होगा, रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रहा, वो फोर्स कितना लगेगा एफ इक्वल्स टू रो डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, जिसको आप लिख सकते हो ए इंटू वी, ए इंटू वी भी लिख सकते हो, वी की वैल्यू तो है हमारे पास तो ए इंटू वी लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, तो ए इंटू वी लिख दो डायरेक्ट, और इंटू में वी डैश की वैल्यू कितनी थी वी बाई के थी, तो वी बाई के तो वी स्क्वायर बाई के आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से है ना वी स्क्वेयर जो है अपने पास उसकी वैल्यू रख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू रख दें, देखिए कितनी वैल्यू आती है रो ए अपॉन में के, और वी स्क्वेयर की वैल्यू रख दो, वी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो वी की वैल्यू कितनी थी स्क्वेयरिंग करोगे तो अंडर हट जाएगा, तो 2f अपॉन में रो ए के स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस के स्क्वेयर, ठीक है, आई थिंक ये सही किया है। अब देखो क्या आता है,
रो ए से रो ए कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, तो 2f k अपॉन में 1 माइनस के स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू अगर 1 रखें dm by dt, dm equals to rho dv and rho dv by dt and v dash, v dash की वैल्यू आ जाएगी v by k, v by k then यहां से वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2f k by 1 k upon 1 minus k square। ठीक है, तो सेकंड जो फोर्थ जो ऑप्शन है इसका, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नहीं है इसका, सॉरी फोर्थ नहीं है क्योंकि इसका जो आंसर है वो इसमें है, फर्स्ट में है, 2f k अपॉन में 1 माइनस k स्क्वायर आ जाएगा, 2f k अपॉन में 1 माइनस k स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट ये सेकंड वाला तो वो पिछले वाले क्वेश्चन का था। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन बी, मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। आइए, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, लेंथ एल आपको दे रखी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ट्यूब का ए है ये वाला, और इसको अपन रोटेट कर रहे हैं, रो डब्ल्यू डेंसिटी का इसमें लिक्विड है। ठीक है, क्योंकि अबाउट, और ये ओपन एंड है, ठीक है, यहाँ पे क्यू पे तो क्लोज्ड है लेकिन यहाँ पर ये ओपन है, इसके अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो फर्स्ट कह रहा है P1 मतलब इस वाले पॉइंट पर प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, तो अगर यूं घुमाएंगे यहाँ पर प्रेशर अगर PATM है तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा, PATM प्लस रो डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाई 2। ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका सही हो गया। दो नंबर पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा, दो नंबर पॉइंट पर प्रेशर इसी तरीके से आएगा, P2 इक्वल टू PATM प्लस 1/2 रो डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर ओनली। तो P1 और P2 के दोनों की इक्वेशन अपने पास है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है गलत है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे PATM कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा P2 माइनस P1 और इसमें कॉमन क्या जाएगा, देखो रो डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो P2 माइनस P1 के डिवाइड में आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रो डब्ल्यू डिवाइड में आ जाएगा और ओमेगा कैलकुलेट करोगे तो अनरूट आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कह रहा है प्रेशर फोर्स ऑफ द वाटर ऑन द अदर एंड क्यू ऑफ द ट्यूब इज, तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, देखो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 या R1 की वैल्यू अपन रख सकते हैं L स्क्वायर आ जाएगा, तो प्रेशर तो इतना लगेगा ना, बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लग रहा है P0, तो वो P0 और ये इसमें भी PATM है, PATM दोनों तरफ लग रहा है, तो PATM का तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 रो W ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर * A, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी इसका क्या है, सही है। फोर्थ क्या कह रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्वायर्स टू होल्ड द ट्यूब ऑन एंड पीज, ये कह रहा है P पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा जिससे कि अपन इसको घुमा सकें, रोटेट कर सकें। सीधी सी बात है, जितना लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा ओवरऑल, उतना का उतना ये जो ट्यूब है ये लिक्विड पे भी तो लगाएगी, सही है ना, तो सेम अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाकर के ये जो है वो रोटेट होगा। ठीक है, हालांकि फोर्स लग रहा है तो रोटेशन तो है ही, मोमेंटम चेंज हो रहा है यहाँ पर देखा जाए लिक्विड का। ठीक है, तो इसके चारों के चारों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए, देयर आर टू होल्स ऑन द वाटर टैंक ऑन द फिगर, द एरिया ऑफ होल 2 इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द एरिया ऑफ द होल 1, 2 का एरिया 2a मान लेते हैं, इसका एरिया a है, लिक्विड जो स्पीड है, लिक्विड जो बाहर आएगा उसकी स्पीड v है और वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो q है। चलो देखते हैं कौन सा सही है, तो सबसे पहले इसमें बात करें, देखिए हाइट इसकी 2 की h/4 है, तो v2 जो है वो आ जाएगा अंडर रूट में 2gh, h की जगह h/4 कर दो। ठीक है, तो अंडर रूट में 2gh, h/4 है तो ये आ जाएगा अंडर रूट में gh/2 और v1 जो है वो कितना आ जाएगा अंडर रूट में कितना आया अंडर रूट में 2gh, तो v1 आ जाएगा अंडर रूट 2gh और v2 आ जाएगा अंडर रूट में 2gh/4 करें तो या तो 2 रहना, तो इसको तो 4 तो अंडर रूट में 2gh/2। तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है अपन को कि जो v1 है वो 2 टाइम्स है v2 का, दोगुना है ना,
क्योंकि इसका टू टाइम्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो वी वन इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ वी टू, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्यू की बात करें तो क्यू बराबर होता है ए इंटू वी, तो ए इंटू वी करें तो इसको टू ए को इससे मल्टीप्लाई करो, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू नंबर पॉइंट के लिए अगर मैं क्यू टू देखूँ तो क्यू टू आ जाएगा ए इंटू में अंडर टू जी एच, और वन नंबर पॉइंट पर अगर मैं क्यू वन देखूँ तो क्यू वन आ जाएगा एरिया इंटू में अगेन अंडर टू जी एच, क्योंकि स्पीड अंडर टू जी एच है यहाँ पर, तो दोनों तरफ देखा जाए वन एंड टू का तो क्यू की वैल्यू सेम है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। आइए, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड बॉल ऑफ सरफेस एरिया ए एंड मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी वी इज प्रोपोर्शनल टू। आइए, तो एफ बराबर क्या होता है, सिक्स पाई ईटा आर वी, वी के प्रोपोर्शनल होता है जी, होता है जी, थर्ड करेक्ट है। आर एरिया, सरफेस एरिया फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है, सॉरी फोर पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन बाई टू, तो ए की पावर वन बाई टू का प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलें। आइए, थ्री डिफरेंट लिक्विड्स आर फिल्ड इन यू ट्यूब ऑन द फिगर, देयर डेंसिटीज आर रो वन एंड रो टू एंड रो थ्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इनमें सही वाला हमसे पूछा, सही वाला क्या होगा देखते हैं। चलो आइए, पहली बात तो ये है, देखो ये रो वन है डेंसिटी, ये रो टू है और ये रो थ्री है। अगर ये सप्रेस कर रहा है, देखो सबसे हैवी तो रो थ्री है, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों में भी अगर हम बात करें तो रो थ्री जो रो वन है ना वो राइज हो रहा है ऊपर की तरफ, रो टू नीचे की तरफ है, ठीक है। अब रो टू ज्यादा है कि रो वन ज्यादा है इसको अपन चेक कर सकते हैं। वर्टिकली अगर हम देखें तो वर्टिकली भैया सीधी सी बात है, यहां पर इस वाले पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देखें, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, या इवन मैं इस वाले पॉइंट पर भी देख सकता हूँ, इन दोनों पॉइंट पर अगर हम बात करें तो, हालांकि हम हॉरिजॉन्टली इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इक्वेशन से भी अगर अपन चाहें तो इसको डील कर सकते हैं। देखिए इस वाले पॉइंट पर बात करें, यहाँ प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट को हटा दो वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर प्रेशर रो टू, अच्छा एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं इसको भी, सॉरी मैंने एक्सेलेशन नहीं है एक्चुअली में, रो टू है ये रो वन है, तो एक्सेलेशन अगर है ही नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे अगर हम बात करें यहाँ पर देखें या यहाँ देख सकते हैं हम इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखें तो रो टू के कारण जो प्रेशर आएगा यहाँ पर कितना आएगा, रो टू जी एच, इसके कारण कितना आएगा रो वन जी एच, एंड प्लस में रो थ्री वाला पार्ट भी आएगा, इसका मतलब रो टू की वैल्यू कन्फर्म है रो वन से ज्यादा होगी, ये हैवी है तभी तो सप्रेस कर रहा है, तो रो टू इज ग्रेटर देन रो वन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बाकी देखते हैं, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, इस वाले पॉइंट पर लिक्विड के कारण प्रेशर कितना आएगा लेफ्ट हैंड साइड वाले के कारण, रो वन जी एच प्लस रो थ्री जी एच बाई टू, और वो प्रेशर इसके बराबर होगा रो टू जी एच के, ठीक है। तो जी एच जी एच जी एच कैंसिल आउट हो गया, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू रो वन आ गया, इधर रो थ्री फ्री है और उधर की तरफ टू रो टू आ जाएगा, तो टू रो टू और प्लस में रो थ्री है, यहाँ पे रो थ्री है, रो थ्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टू टाइम्स ऑफ रो टू माइनस रो वन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थर्ड भी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए, टू वायर्स ए एंड बी हैव इक्वल लेंथ्स एंड आर मेड ऑफ सेम मटेरियल बट द डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ द ए, डायमीटर डबल होगा तो एरिया फोर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। दो वायर हैं अपने पास ए एंड बी, यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, सेम मटेरियल तो वाई भी सेम होगा, और हमसे कहा गया है कि बट द डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ द बी, ए का डायमीटर अगर जो है, ए का डायमीटर जो है वो बी के डायमीटर से डबल है, तो बी का अगर एरिया में अगर ए कंसीडर करूं तो इसका एरिया फोर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये, द एक्सटेंशन ऑफ बी विल बी फोर टाइम्स दैट ऑफ द ए, ठीक है, तो एक्सटेंशन जो है बी में वो ए का फोर टाइम्स है, एक्सटेंशन स्ट्रेस, देखो दोनों पर सेम लोड अप्लाई किया फॉर ए गिवन लोड, तो एफ इक्वल्स टू वाई ए बाय एल, ठीक है, एरिया इसका फोर टाइम्स है, फोर रख दो इंटू में एक्स एक्सटेंशन, इसके लिए देखें सेम फोर्स अप्लाई करें, एफ इक्वल्स टू फोर वाई ए बाय एल इंटू एक्स टू या एक्स वन, तो ये वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये तो सेम ही है, फोर एक्स वन बराबर बराबर एक्स टू आ गया, तो इसमें जो एक्सटेंशन है बी में वो एक्स वन का फोर टाइम्स है, ये तो सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। आगे क्या पूछा है, आगे वाला गलत हो जाएगा, थर्ड वाला देखो, द स्ट्रेन इन ए एंड बी विल बी इक्वल, स्ट्रेन की बात करें अगर हम,
तो स्ट्रेन क्या होगा यहां पर? स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन अपॉन में एक्चुअल लेंथ, यही होगा स्ट्रेन, इसमें भी स्ट्रेन ही होगा, तो इसमें कोई फर्क आने वाला है ही नहीं वैसे देखा जाए, क्योंकि इधर 4 बचेगा, तो 4 टाइम्स ऑफ इसका स्ट्रेन बराबर 1 टाइम्स ऑफ इसका स्ट्रेन, तो सीधी सी बात है बी में जो स्ट्रेन है वो भी ए का 4 टाइम्स होगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वर्टिकल बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज फिक्स्ड एट बोथ ऑफ इट्स एंड्स एंड ए लोड डब्ल्यू इज अप्लाइड एक्सेली एट एन इंटरमीडिएट सेक्शन ऑन द फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, ये 2L लेंथ है, ये 3L लेंथ है, और हमसे पूछा है कि इन दोनों एंड पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरीके से लगेगा, तो अपन लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है ना इस बार पे मान लो N1 लग रहा है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है N2, अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो N1 और N2 का जो समीशन है वो W के बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स 0 है, वेट हमें देने का तो वेटलेस मानेंगे अपन, तो N1 प्लस N2 W आ गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं कि एक्सटेंशन, देखो इसमें जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा सेम अमाउंट का एक्सटेंशन या कंप्रेशन इसमें भी होगा, इस वाले पार्ट में भी होगा। अब इस वाले पार्ट में देखें यहां पर N1 लग रहा है तो इस तरफ इस सेक्शन में भी देखें तो N1 ही लगेगा, तो इस वाले पार्ट में बात करें ना तो N1 फोर्स लग रहा है, अपन में एरिया कर दूं स्ट्रेस आ जाएगा, बराबर मटेरियल तो सेम है तो वाई, ठीक है, इंटू में एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन एक्स मान लिया, अपन में लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितनी है 2L है, या इक्वेशन। इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट में देखें तो N2 है, कंप्रेस कर रहा मान लो, N2 कंप्रेस कर रहा तो N2 अपॉन में A, एरिया तो वही रहेगा, Y भी सेम है, एक्सटेंशन इसमें भी सेम, इसमें ये कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेशन होगा, अपॉन में लेंथ कितनी आएगी इसकी 3L, दोनों इक्वेशन अपने सामने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो N1 और N2 में रिलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, देखो एरिया को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो वाई एक्स ए अपॉन एल, वाई एक्स ए अपॉन एल, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आ जाएगी 2N1 आ जाएगी, तो 2N1 यहाँ रख सकता हूँ, तो N2 बराबर आ जाएगा 2N1 बाई 3, ये N2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, कितनी वैल्यू आई, तो N1 प्लस 2N1 बाई 3 इक्वल्स टू W, तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, तो 5N1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू W, देन वी हैव N1 इक्वल्स टू 3W अपॉन में 5, तो जब N1 3W अपॉन में 5 है तो N1 को सब्ट्रैक्ट कर दो W में से, तो N2 आ जाएगा 2W अपॉन में 5, तो चलो देखते हैं N1 कितना है, W की वैल्यू कितनी है 5000 है, 5000 रखोगे तो 5 से 5 कट गया 1000, 3000, तो N1 3000 आएगा, N1 ऊपर वाले एंड पर है, ठीक है, तो N1 3000 आ गया, तो रिएक्शन एट द बॉटम सपोर्ट इज 3000 नहीं, रिएक्शन एट द बॉटम सपोर्ट पे कितना आएगा, N2 लग रहा है, तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी 2W अपॉन 5 आएगी, तो N2 की वैल्यू 2000 आएगी और N1 की वैल्यू 3000 आएगी, देखिए रिएक्शन एट द बॉटम सपोर्ट इज 2000, बॉटम सपोर्ट पर 2000 है तो वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन एट द टॉप सपोर्ट इज 1000 ये गलत है, रिएक्शन एट द टॉप सपोर्ट इज 3000 ये सही है, तो सेकंड एंड फोर्थ जो है इस क्वेश्चन के वो जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड एंड फोर्थ जो है करेक्ट आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, 7th पर जाइए। एक ट्यूब है हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर दो स्टैंड पाइप्स लगा रखे हैं, यहाँ पर लिक्विड स्पीड V1 है, यहाँ पर V2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे रखा है A1 A2, अब पूछा है क्या इसमें, देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ट्यूब इन द यूनिट टाइम इज A1 V1, ऑब्वियसली A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो यूनिट टाइम में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो A V के बराबर होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 बराबर क्यू, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इन द यूनिट टाइम इज A1 V1, ये सही ऑप्शन है। सेकंड देखिए V2 - V1 इक्वल टू √2gh, ये देखना पड़ेगा, आइए देखिए इधर इस वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें, ये एच है, ये वाली H1 मान लो, ये वाली हाइट H2 मान लो, तो यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा, P0 प्लस ρgH1, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा, P0 प्लस ρgH2, तो दोनों पॉइंट पर प्रेशर हमको पता है, बर्नौली इक्वेशन लगा दो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के लिए, बर्नौली इक्वेशन लगाएं तो प्रेशर तो है ही हमारे पास P0 प्लस में ρgH1 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है कि हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की रेफरेंस लाइन सेम मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं तो उसको जीरो रहने दो, प्लस यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कितनी आएगी, P0 प्लस ρgH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में वो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो जीरो है, ग्रेविटेशन हेड मैंने जीरो मान लिया यहाँ पर, तो P0 से P0 गया और बाकी रो तो यहाँ से हट ही जाएगा
तो देखिए H1 माइनस H2 जो है वो H के बराबर है, तो इस वाले पार्ट को उधर ले जाइए, G ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, H1 माइनस H2 कितना आ जाएगा, H आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड इज द सेम इन द बोथ सेक्शन ऑफ द ट्यूब, दोनों सेक्शन में एनर्जी पर यूनिट मास, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर एनर्जी मतलब पी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, पर अगर मास को भी पर यूनिट मास को भी देखना है तो रो से डिवाइड कर दो सब में, तो पूरे लिक्विड के लिए सेम ही होगा ना, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन ब्लॉक एंड ए वुडन ब्लॉक आर पोजिशन द वेसल कंटेनिंग वाटर इज ऑन द फिगर, द आयरन ब्लॉक वन हैंग्स फ्रॉम ए मासलेस स्ट्रिंग विद अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम द टॉप, व्हाइल द वुडन ब्लॉक फ्लोट्स बीइंग टाइड टू द बॉटम थ्रू ए मासलेस स्ट्रिंग, इफ नाउ द वेसल स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स टेंशन द स्ट्रिंग वन विल इंक्रीज, टेंशन बोथ स्ट्रिंग्स विल इंक्रीज, टेंशन पता करना है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, अगर आपने इस कंटेनर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, तो देखो ब्लॉक वन की बात करें तो टेंशन टी लग रहा है यहाँ पर, एम जी डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, और जब एक्सेलेट करोगे तो एम जी प्लस ही आ जाएगा यहाँ पर, और बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वी रो ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस ए, तो यहाँ टेंशन की बात करें तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस ए माइनस वी रो जी प्लस ए, तो मतलब एम माइनस वी रो और यहाँ जाएगा जी प्लस ए, तो सीधी सी बात है ये पहले जी था खाली ए नहीं था, तो टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, तो वन नंबर पे टेंशन इंक्रीज हो गया, सेकंड नंबर पे देख लो आप टेंशन डाउनवर्ड है, ठीक है, एम जी डाउनवर्ड होगा इसका, और शिरो फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा तो एम जी प्लस ए, बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा विच इज वी वॉल्यूम मान लीजिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एंड जी प्लस ए, बायंसी फोर्स भी तो जी प्लस ए आएगा उसके अंदर, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ बस टी प्लस में ही आएगा, तो यहाँ जो टेंशन आएगा ना उसकी वैल्यू आएगी ये वाला ज़्यादा होगा, तो वी रो माइनस एम जी प्लस ए, तो फर्क बस कुछ नहीं है, टेंशन दोनों में ही बढ़ेगा, है ना, अगर आप एक्सेलेट करोगे तो दोनों में ही टेंशन बढ़ेगा क्योंकि जी के साथ ए ऐड हो रहा है, तो टेंशन द स्ट्रिंग वन विल इंक्रीज तो फर्स्ट सही है, टेंशन द बोथ स्ट्रिंग विल इंक्रीज मतलब सेकंड भी सही है, टेंशन बोथ स्ट्रिंग विल डिक्रीज ये गलत हो गया, टेंशन स्ट्रिंग टू विल इंक्रीज मतलब ये भी सही है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तीनों के तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ईच विद सरफेस एनर्जी ई जॉइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, देन देखो एक ड्रॉप है रेडियस मैंने आर मान ली, इसकी सरफेस एनर्जी ई है और ई की वैल्यू क्या होती है, सरफेस टेंशन टी इंटू 4πr², ये सरफेस एनर्जी है, ऐसी एन ड्रॉप्स को हमने ज्वाइन किया, एन ड्रॉप्स को ज्वाइन किया तो बड़ी ड्रॉप बन गई, उसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, ठीक है, अब इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, ई डैश इक्वल्स टू टी इंटू 4πr². आर और स्मॉल आर के बीच में क्या रिलेशन है, देखो एन ड्रॉप्स है ना ये, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 4/3πr³, एन ड्रॉप होगी तो इतना वॉल्यूम हो गया, और बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए 4/3πr³ के बराबर आ गया, 4/3π 4/3π कैंसिल आउट हो, देन वी हैव कैपिटल आर इक्वल्स टू एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो ई डैश इक्वल्स टू कितना आ गया 4πt r² कर दें 4πt r² एन टू द पावर 2/3 आ गया, ये सरफेस एनर्जी आ गई, ठीक है, तो पहले कितनी एनर्जी थी, एक ड्रॉप की ई है तो कितनी एन ड्रॉप से, तो एन ही होगी, बाद में सरफेस एनर्जी इतनी, और इतना अपन सब लोग जानते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉप से अगर आपने बड़ी ड्रॉप बनाई तो सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, तो वो एनर्जी कहाँ गई, रिलीज, ये सिस्टम जो है रिलीज करेगा, तो सम एनर्जी विल बी रिलीज इन द प्रोसेस, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है, ठीक है, अब एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो हमें देखनी है, तो पहले एनर्जी कितनी थी एनी, एक ड्रॉप की ई है तो एनी हो जाएगी एन ड्रॉप्स की, अब एनर्जी इतनी है, अब 4πr² t जो है वो ई के बराबर है, तो इसको मैं ई लिख सकता हूँ खाली, ई इंटू एन टू दावर 2/3, पहले कितनी थी एनी थी, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एन ई माइनस ये आ जाएगा एन टू दावर 2/3 इंटू ई, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, अगर आप देखो ऑप्शन के अंदर तो केवल और केवल हमें थर्ड ऑप्शन मिल रहा है इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए एंड डेंसिटी रो स्लाइड्स ओवर ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, देयर इज थिन फिल्म ऑफ विस्कस फ्लूइड ऑफ थिकनेस टी,
between the plane and the block, then the coefficient of viscosity of thin film will be. तो ये जो ब्लॉक है नीचे स्लाइड कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, वो भी ये ब्लॉक है, ये एक थिन फिल्म है, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है टी, ये स्लाइड कर रहा है, इस तरफ फोर्स लग जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, वही विस्कोसिटी वाला क्वेश्चन है ये, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है इसका मतलब विस्कस फोर्स इस पे पीछे लगेगा एफ, जो कि इसको बैलेंस करेगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। विस्कस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एफ इक्वल्स टू ईटा एंड एरिया सरफेस एरिया, जो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का जो बेस है उस बेस का सरफेस एरिया कितना जाएगा, ए स्क्वायर, वही लिक्विड के कॉन्टेक्ट में होगा, इंटू में डीवी बाई डीवाई, जो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है उसकी वैल्यू कितनी है वी, क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट में जो सर्फेस होगी इसकी स्पीड वी होगी, वी अपॉन में टी थिकनेस, तो ये फोर्स आ गया, और इस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे आप, एम जी साइन थीटा के। अब यहाँ से हमें ईटा की वैल्यू पूछी है, ईटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ईटा इक्वल टू कितना आया, एम जी टी साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर बी, देखिए ईटा कितना आया फिर फाइनली, एम जी, एम मास है ब्लॉक का, तो रो इंटू रो डेंसिटी है, इंटू में वॉल्यूम मतलब ए क्यूब, इंटू जी इंटू टी साइन 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, और यह आ जाएगा ए स्क्वायर और यह आ जाएगा वी, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, खाली ये बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 3 rho a g t अपॉन में 5 v, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है, चलिए आगे चलें। अब चलते हैं हम सेक्शन सी में, ठीक है, सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, द ओपनिंग नियर द बॉटम ऑफ द वेसल शोन द फिगर हैज एन एरिया ए, a disc is held against the opening to keep the liquid from running out, let fn be the net force on the disc applied by liquid and air in this case, now the disc is moved away from the opening at a short distance, the liquid comes out and strikes the disc inelastically, let f2 be the force exerted by the liquid in this condition, then f2 by fn is, to pehle to kya hai ki disc ko aapne matlab isse attach kar rakha hai, disc motion mein nahi hai, liquid motion mein nahi hai, yahan par h depth par yahan par pressure kitna aayega, रोजी एच, और ये जो डिस्क है इसका एरिया अगर ए कंसीडर करूं तो फोर्स कितना लगेगा, रोजी एच इंटू ए, ये फोर्स लगा विच इज एफ1, अब आपने इस डिस्क को हल्का सा आगे शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करोगे तो लिक्विड बाहर आएगा, लिक्विड जो बाहर आएगा स्पीड ऑफ ई फ्लक्स जो है इसकी लिक्विड की वो आ जाएगी वी बराबर अंडर रूट में 2gh, अगर एच हाइट है तो लिक्विड इसे इनलास्टिकली स्ट्राइक करेगा तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगा जाएगा वी डीएम बाई डी टी, डीएम को क्या लिखोगे, रो इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या जाएगा, डी वी बाई डी टी आ जाएगा क्यू रेट वॉल्यूम फ्लो रेट विच इज ए इंटू वी, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, रो ए वी स्क्वायर, जब लिक्विड टकराएगा ना कोलिजन करेगा तो इतना ये फोर्स लगाएगा, इन इलास्टिक करेगा, अगर अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो उस केस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो फिर टू टू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हालांकि अब यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन तो एफ टू ही आ गया, अब वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, रूट वी की वैल्यू रूट टू जी एच की वैल्यू रखोगे तो एफ टू बराबर आ जाएगा 2 rho a g h, तो पहले वाला फोर्स था रो जी एच ए और अब फोर्स है 2 rho a g h, एफ टू बाई एफ वन पूछा दिस बाय दिस, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 2, इन द ड्रॉइंग बिलो ए कॉनिकल ट्यूब इज सोल्डर्ड इनटू द साइड ऑफ ए टैंक, एट द लेफ्ट एंड ऑफ द ट्यूब इट्स एरिया इज a1, एट द राइट एंड द एरिया इज a2, इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज एज द सोल्डर जॉइंट मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड द फोर्स ऑफ दिस, देखो ये जो ट्यूब दे रखी है यहाँ पे कॉनिकल ट्यूब, इसका इस तरफ वाला एरिया a1 है, इस तरफ वाला एरिया a2 है, जब इसमें से लिक्विड बाहर आएगा ना तो ये जो कॉनिकल ट्यूब है इस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू हमसे पूछी है, वो वैल्यू ये है और इसमें ईटा की वैल्यू हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो यहाँ से जब ये लिक्विड बाहर आएगा तो उसका वेलोसिटी कितना आएगा, इस केस में v2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, मैंने वेलोसिटी यहाँ पे v2 मान ली, और यहाँ वेलोसिटी मैं v1 मान लेता हूँ इस वाले सेक्शन पर, और v1 की वैल्यू अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a1 a2 एंड v2, सो v2 इज 2, तो वैल्यू कितनी आएगी a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 राइट, तो यहाँ से अपने पास V1 की वैल्यू आ जाएगी A2 V2 अपॉन में A1, ठीक है, तो ये V1 आ गया हमारे पास। अब देखो जो भी लिक्विड इसमें से बाहर आएगा उस लिक्विड के मोमेंटम होने वाला चेंज कितना होगा, देखो सीधी सी बात मैं लिक्विड पे स्टडी कर रहा हूँ, लिक्विड के मोमेंटम होने वाला चेंज कितना होगा, जो मान लीजिए यहाँ पे डीएम मास का अमाउंट जो लिक्विड जो अंदर एंटर करता है तो उतना ही डीएम मास का अमाउंट का लिक्विड बाहर आएगा,
तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा? मोमेंटम में चेंज अगर हम देखें तो मोमेंटम चेंज आएगा डीएम, ठीक है, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम डीएम इंटू वी टू, इनिशियल मोमेंटम डीएम इंटू वी वन, तो मोमेंटम चेंज कितना है डीएम वी टू माइनस वी वन। तो बाई डी टी कर दो तो इस लिक्विड पे लगने वाला फोर्स आ गया, सही ना। तो इस लिक्विड पे अल्टीमेटली जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, करेक्ट। अब बात आती है कि वो लिक्विड पे फोर्स लगा कौन रहा है, एक तो यहाँ जो प्रेशर है वो प्रेशर लगाएगा, और जो कॉनिकल जो ट्यूब है वो ट्यूब भी फोर्स लगाएगी। अगर कॉनिकल ट्यूब को अगर आप ढंग से देखो तो कुछ ऐसा सिस्टम है ये, तो वो लिक्विड पर फोर्स कुछ ऐसे लगाएगा, ऐसे इस तरीके से, करेक्ट। और इवन लिक्विड भी इस कॉनिकल ट्यूब पर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, तो इन फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आएंगे। तो ओवरऑल जो लिक्विड पे जो फोर्स लगा रहा है ये जो कॉनिकल जो ट्यूब है वो इस तरफ लगाएगा, इसको मैंने एफ मान लिया। और यहाँ जो लिक्विड जो प्रेशर फोर्स लगाएगा इस तरफ, उस प्रेशर के कारण लिक्विड पे फोर्स इधर लगेगा। तो ओवरऑल जो फोर्स है वो प्रेशर भी लगा रहा है और ये कॉनिकल ट्यूब अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, तो ओवरऑल जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, जो कि आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, पी नोड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पी नोड वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना आना चाहिए, यहाँ पर अगर देखें तो हाफ रो वी वी टू स्क्वायर, यहाँ हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस प्रेशर पी, ठीक है। तो प्रेशर जो डिफरेंस आएगा ओवरऑल, वो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी देखा जाए तो वो आ जाएगी पी इक्वल्स टू वन बाई टू रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब ये जो प्रेशर फोर्स है, प्रेशर जो है वो फोर्स लगाएगा इस कॉनिकल ट्यूब पर इस तरफ, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, उस फोर्स की वैल्यू देखें तो P इंटू में मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया A1, इसको A1 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है। अब इसको A1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको गायब कर देता हूं मैं, ये फोर्स लगा इस तरफ, जो ट्यूब है वो ट्यूब इस पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डीएम बाई डी टी और इंटू में आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, ठीक है, ये फोर्स लग गया। अब देखिए 1 बाई टू रो v2 स्क्वायर और v1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ v2 आप रख सकते हो, तो ये आ जाएगा a2 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन में a1 स्क्वायर और इनटू में a1 आ गया माइनस f इज इक्वल टू dm by dt लिख सकता हूं, रो इनटू dv by dt, dv by dt को a1 v1 या a2 v2 लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा a2 v2 और यहां आ जाएगा v2 माइनस v1, करेक्ट। सो वी हैव f इज इक्वल टू, f की वैल्यू रखनी है तो इस वाले पार्ट को इधर ले आओ आप, तो यहां से अपने पास वैल्यू आ जाएगी रो बाई टू, ठीक है, और फर्दर इसमें अपन चाहें तो ए वन का एलसीएम ले लो, तो यहाँ जाएगा ए वन स्क्वायर, है ना, और माइनस ए टू स्क्वायर, और ए वन से ए वन कट जाएगा, खाली ए वन बचेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ वी टू स्क्वायर भी आ जाएगा, वी टू स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, ठीक है, एंड माइनस इसको इधर लेके आएंगे हम, तो ये आ जाएगी वैल्यू रो ए टू, और इवन यहाँ से भी हमने जो वी वन दिख रहा है आपको, ये वी वन की वैल्यू मैं रख सकता हूँ ए टू वी टू अपॉन में ए वन, ठीक है। तो यहाँ से भी हम वी टू स्क्वेयर को रख सकते हैं, तो वी टू स्क्वेयर बाहर आ गया, और यहाँ जाएगा वन माइनस ए टू बाई ए वन, मतलब ए वन माइनस ए टू बाय ए वन, ठीक है, आई थिंक ये सही किया है, यहाँ तक की वैल्यू सही की है। तो ए वन माइनस ए टू अपॉन में ए वन, ठीक है, तो रो ए टू ए टू वी टू स्क्वेयर और ए वन माइनस ए टू अपॉन में ए वन आ गया, ठीक है। अब इसमें एलसीएम हम ले सकते हैं, ये हमारे पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, देखिए तो वी टू स्क्वेयर तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा वैसे दिख रहा है, ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू आ गया वी टू स्क्वेयर कॉमन आ गया, रो भी कॉमन आ जाएगा, और वन बाई टू से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टू ए वन और यहाँ आ जाएगा ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर माइनस, देन यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये या ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, चलो ए वन ए टू एंड माइनस ए वन ए टू माइनस ये आ जाएगा ए टू स्क्वायर अपॉन में ए वन, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देन एफ इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर रो, यहाँ आ जाएगा टू ए वन, ये आ जाएगा ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का टू ए वन ए टू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा टू ए टू स्क्वायर, ठीक है, और ये टू ए टू स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, तो ये बचेगा खाली ए टू स्क्वायर, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये फाइनली a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर आ गया,
और यहाँ वी टू स्क्वेयर में टू जी एच आएगा, टू से टू कट जाएगा, तो वैल्यू फाइनली क्या आएगी, रो जी एच अपॉन में ईटा ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वेयर अपॉन में ए वन। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू अपने पास फाइनली कितनी आ गई, वन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए। देखो एक टैंक दे रखा है, इसमें लिक्विड एच नॉट हाइट तक फिल्ड है। ठीक है, इससे एल बाई थ्री डिस्टेंस पर एक पाइप कनेक्टेड है, स्टैंड पाइप, इधर भी पाइप कनेक्टेड है, इसमें एच टू हाइट तक लिक्विड है, इसमें एच टू हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है और विस्कस लिक्विड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ से लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा है, लिक्विड की स्पीड हमसे पूछी है कि किस स्पीड से लिक्विड बाहर की तरफ जो है वो आएगा। और यहाँ देखिए, इस वाले पॉइंट पर जो विस्कस लिक्विड है इसका मोशन नहीं है, क्योंकि टैंक का साइज अपन ज़्यादा मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट के इक्वल होगा, और इसके जस्ट अंदर, जस्ट मतलब पाइप के अंदर अगर अपन चलें, इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो प्रेशर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बर्नौली थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं के बराबर हुआ है। तो इसके लिए बर्नौली इक्वेशन अगर हम लगाएं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पर वी के इक्वल होगा, तो यहाँ इक्वेशन लगाऊं तो मैं लिख सकता हूँ पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट बराबर पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से पी की प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, पी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट माइनस हाफ रो वी स्क्वेयर, ये प्रेशर आ गया यहाँ पर। अब ये जो पाइप है, इस पाइप में यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा, इस वाले पॉइंट पर वो आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच वन। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस है अपने पास, प्रेशर डिफरेंस है तो ऑब्वियसली जो लिक्विड मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मींस इस पर विस्कस फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि ओवरऑल जो फोर्स है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा उसके कारण। तो प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं या विस्कस फोर्स में एरिया को डिवाइड कर दूं तो सेम आना चाहिए। तो देखिए पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट माइनस हाफ रो वी स्क्वेयर, ये प्रेशर इधर लग रहा है और इसके कारण जो फोर्स लगेगा इनटू में ए कर दूंगा, और इधर वाला जो प्रेशर उसके कारण फोर्स अपोजिट लगेगा, तो माइनस का पी नॉट प्लस में रो जी एच वन, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना आएगा एफ वी, है ना, एफ वी में ए को डिवाइड कर दो, एरिया को डिवाइड कर दो ट्यूब का, तो ये विस्कस फोर्स को जो भी है विस्कस फोर्स के कारण जो फोर्स लगेगा और अपन में एरिया कर दें या एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस करेंगे दूसरे को फोर्स, ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो पी नॉट से पी नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास इक्वेशन क्या आई, रो जी एच नॉट माइनस रो जी एच वन माइनस हाफ रो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ वी बाय ए। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। दूसरा आप है ना इक्वेशन यहाँ पे भी लगा सकते हो, इस वाले पॉइंट पर भी, इस वाले पॉइंट पे लगाएं तो यहाँ प्रेशर कितना आएगा पी नॉट प्लस रो जी एच टू, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ प्रेशर कितना है पी नॉट, तो इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं रो जी एच टू। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस आया और इनटू एरिया कर दें, तो देखो दोनों पार्ट जो ये वाला पार्ट इवन ये वाला भी ले सकते हैं हम, वैल्यू सेम आएगी उससे। इस पर जो कांस्टेंट स्पीड चल रहा था, विस्कस फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों पे सेम लगेगी। तो रोजी एस टू, अगेन मैं इसको एफ वी लिख सकता हूँ, बाय ए लिख सकता हूँ, तो एफ वी बाय ए की वैल्यू रोजी एस टू में डायरेक्ट यहाँ रख सकता हूँ। तो अगर यहाँ रख दें हम रोजी एस टू, तो ये वाली इधर वैल्यू आ जाएगी, रो से रो सब कट जाएंगे, तो जी कॉमन आ जाएगा एच नॉट माइनस एच वन, वो वाला पार्ट इधर आ जाएगा माइनस का एच टू, और यहाँ आ जाएगा अपने पास वी स्क्वायर बाई टू, टू इधर ले आओ, तो वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में टू जी एच नॉट माइनस एच वन माइनस एच टू, एच वन की वैल्यू टू एच के बराबर, एच टू की वैल्यू थ्री एच के बराबर, तो ये आ जाएगा टू एच एंड एच थ्री एच। तो यहाँ से यही वैल्यू हमसे पूछी है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी थ्री के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और ये कह रहा है कि जो लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा, उस बाहर आने के कारण जो लिक्विड, जो कंटेनर में जो लिक्विड नीचे जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो लिक्विड हाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से एरिया मैंने मान लिया ए है और ये हाइट मान लीजिए वाई है, तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स यहाँ पर कितना आएगा, स्पीड कितनी आएगी, वी इक्वल टू अंडर रूट में टू जी वाई, एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बराबर ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस की स्पीड अगर मैं वी डैश कंसीडर करूँ, तो ए वन वी वन के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें, तो यहाँ तो ए वन वी वन मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ए वन वी वन कितना आएगा, ए टू वी टू कितना आएगा, एरिया कितना आएगा इसका, अगर यहाँ पर वाई हाइट है और ये डिस्टेंस एक्स मान लूँ, तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू में पाई एक्स स्क्वायर इंटू में वी डैश, तो ये वी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में टू जी वाई ए अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन आया। देखो काफी सिंपल सा रिलेशन है। अब y की इक्वेशन क्या होनी चाहिए जिससे कि जो v डैश है ना वो कांस्टेंट रहे, तो सीधी सी बात है y प्रोपोर्शनल टू या y इक्वल टू kx टू द पावर अल्फा है। अगर x की वैल्यू 4 हुई यहाँ पर,
वाई की वैल्यू एक्स की पावर 4 हुई, तो 4 मतलब अंडर रूट करेंगे तो एक्स की पावर 2 बचेगा, एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो जिससे कि वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉन्स्टेंट आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा बराबर यहाँ पर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, फिफ्थ पे जाइए। एक स्फेरिकल कंटेनर है, इसमें लिक्विड फील्ड है और ये दे रखा है कि ये एच हाइट तक फील्ड है, एच की वैल्यू आर बाई टू है और जो लिक्विड जो कॉन्टैक्ट में है ना वो हॉरिजॉन्टल सर्फेस है, हॉरिजॉन्टल ही है मतलब रेंज है। तो बताइए कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल डेफिनेटली लिक्विड एयर इंटरफेस और सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के बीच का एंगल होता है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। अब यहाँ पर ये सेंटर है स्फीयर का, जैसे अब ये वाली रेडियस आर होगी, ये भी आर होगी, ठीक है। अब ये वाला एंगल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मान लीजिए थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा सेम, ये थीटा हो गया, ये आर है, ये आर माइनस एच है क्योंकि ये वाली एच हाइट है, तो ये आर माइनस एच हुआ। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस मतलब आर माइनस एच अपॉन हाइपोटेन्यूस आर, एच की वैल्यू आर बाई टू रखो तो आर माइनस आर बाई टू कितना जाएगा, आर बाई टू बाई आर, आर से आर कट गया तो वैल्यू आ जाएगी 1 बाई टू। कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाई टू कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो आंसर इसमें 60 डिग्री में देना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब है जिसको आपने एक बर्तन के अंदर इमर्ज कर रखा है, इसका जो पार्ट जो इमर्ज्ड है वो एल लेंथ का है और ऊपर जो हाइट है वो एच है, एच हाइट तक लिक्विड इसमें राइज हो चुका है, और दूसरा एच की वैल्यू लेस देन एल है, ये भी ध्यान रखना हमें, ठीक है। वाटर है ये, तो हमें कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर जीरो मानना है, तो यहाँ पर जो लिक्विड राइज हुआ है उसके लिए जो जो सर्फेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा वो टी इंटू टू पाई आर के इक्वल होगा, रेडियस मान लीजिए इसके आर ट्यूब की, वो इसके एम जी के इक्वल होगा यहाँ पर, ठीक है, एम इंटू जी के इक्वल होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से इस वे से अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब एल की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, एल की वैल्यू ज़्यादा है, तो जैसे इस ट्यूब को बाहर निकालेंगे हम, तो लिक्विड क्या होगा, इससे बाहर आना स्टार्ट होगा, लेकिन ड्यू टू सरफेस टेंशन, देखो किस इस तरीके से ये नहीं होगा, देखो ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड जब इससे बाहर आएगा तो कुछ इस वाले केस में जैसे ही आएगा ये लिक्विड, तब तक ये सस्टेंड है, ठीक है, तब तक ये झेल सकता है इस लिक्विड के वेट को, क्योंकि ऊपर भी तो लिक्विड है, कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर लिक्विड पर वेट के कारण कॉन्टैक्ट एंगल चेंज होगा, जी सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन ये वाली शेप होनी चाहिए, इसके अलावा ऐसी शेप नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम लग सकता है, तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर आएगी उस केस में, ठीक है। तो देखते हैं कितनी आती है, तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स कितना लगेगा, टी इंटू टू पाई और ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी सेम टी इंटू टू पाई और ऊपर की तरफ, इसका मास मान लीजिए एम डैश है, तो एम डैश जी डाउनवर्ड लगेगा, तो यहाँ पर इस केस में फोर्स कितना लगा, टू टाइम्स ऑफ टी इंटू टू पाई आर और बराबर एम डैश जी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें अगर हम, तो टी इंटू टू पाई आर की वैल्यू किसके बराबर, एम जी के बराबर, ये वैल्यू एम जी रख देते हैं, तो एम डैश की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ एम आ जाएगी, मतलब डबल मास। तो ये अगर मास इसका एम है उसके अकॉर्डिंग हाइट अगर एच है, तो डबल मास के अकॉर्डिंग हाइट कितनी हो जाएगी, टू एच। तो ये ध्यान रखना, टू एच हाइट तक जो लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अल्फा एच प्लस बीटा एल लेंथ है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू, और बीटा एल मतलब एल तो है नहीं यहाँ पर, बीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, जीरो। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टू, ठीक है। तो ये था आपका पेपर कंप्लीट, जेईई मेंस एडवांस। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। आगे अच्छे से ऐसे मेहनत करते रहिए, थैंक यू।